कर्नल सुनील लूथरा जो कि रॉ एजेंसी के चीफ है, उनको खबर मिलती है कि इंडिया से दुबई जाने वाले एरोप्लेन को अब्दुल हामिद नाम की टेररिस्ट ग्रुप ने हाईजैक कर लिया है, जिसके बाद कर्नल लूथरा रॉ एजेंसी के सबसे काबिल एजेंट कबीर यानी कि ऋतिक को इस मिशन पे भेजना चाहते थे, लेकिन कबीर उन दिनों अपने किसी दूसरे मिशन के लिए टर्की गया था, इसलिए इंडियन रॉ एजेंसी उस मिशन पे अपने अंडर ट्रेनिंग एजेंट सुमित मेहता और अंजलि शर्मा को भेजने का प्लान बनाते हैं। सुमित मेहता और अंजलि शर्मा अभी हाल ही में ट्रेन हो रहे थे और कबीर के जाने के बाद यही दो काबिल एजेंट्स थे जिन पे रॉ भरोसा कर सकती थी, इसलिए इन दोनों को चूज किया जाता है। वहीं पे सीन बदलता है अब्दुल हामिद पे, जो कि इंडिया से अपनी डिमांड रखता है और कहता है कि सुनो इंडिया, मेरी पहली डिमांड ये है कि तुम्हारे तिहाड़ जेल में बंद मेरा सबसे करीबी दोस्त ईमान अंसारी को जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए और उसे एक बैग में 100 करोड़ दिया जाए, तभी मैं तुम्हारे देश वालों को सही सलामत आजाद करूंगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो दुबई में आने से पहले तुम्हारे इंडियन पैसेंजर्स अपनी जान खो देंगे। अब अब्दुल हामिद सबसे पहले तो प्लेन के ट्रैकर को तोड़ देता है, जिससे कि इंडिया गवर्नमेंट को उसके एग्जैक्ट लोकेशन का पता नहीं चल पाए, जिसके बाद अब्दुल हामिद पायलट को एरोप्लेन को एक घने जंगल पे लैंड करने को कहता है। अब इंडियन गवर्नमेंट को ये नहीं पता था कि अब्दुल हामिद ने एरोप्लेन को किस जगह पे लैंड करवाया है, लेकिन सुमित मेहरा और अंजलि शर्मा किसी भी तरीके से उस लोकेशन का पता लगा लेते हैं और उस जंगल में पहुंच जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि दोनों कुछ करते, अब्दुल को यहाँ पे सब कुछ पहले ही पता चल जाता है और वो उनपे हमला करवा देता है। दोनों जैसे तैसे करके उनकी गोलियों से बच जाते हैं, लेकिन तभी अब्दुल का अनाउंसमेंट आता है कि इस गलती की भुगतान अब इंडियन पैसेंजर्स करेंगे, और वो उन्हें मारने ही वाला था कि तभी सुमित और अंजलि खुद को अब्दुल के हवाले कर देते हैं। और अब जैसा कि सुमित और अंजलि दोनों ही अब्दुल के कब्जे में आ चुके हैं और अब्दुल हामिद इन्हें कभी भी मारने के मूड में था, क्योंकि ये आए थे अब्दुल हामिद के प्लान पर पानी फेरने के लिए, तभी वहाँ पे एंट्री होती है पठान की। पठान पता नहीं कहाँ से उस जंगल में पहुँच जाता है और अकेला ही टेररिस्ट पे हमला कर देता है, और इस बंदे के सामने कोई भी टेररिस्ट टिक नहीं पाता। पठान सभी टेररिस्ट को मार देता है और अब्दुल हामिद के भी कान फाड़ देता है, जिसके बाद पठान उस प्लेन और उसके पैसेंजर्स को सही सलामत दुबई भेज देता है और फिर से गायब हो जाता है। अब सुमित और अंजलि को समझ नहीं आता कि आखिरकार ये आदमी कौन है और कहाँ से आया है और इसने उन्हें बचाया क्यों। तभी सीन बदलता है कर्नल लूथरा पे, जो कि अपने रॉ एजेंट्स को पठान के बारे में बताते हैं। पठान एक ऐसा जाबाज एजेंट है जो कि रॉ में भी नहीं है और ना ही वो किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। पठान तो एक ऐसा सुपर हीरो है जो कि तभी प्रकट होता है जब इंडिया को उसकी जरूरत पड़ती है, यानी कि जब भी इंडिया किसी ऐसी मुसीबत में आता है जब वो आगे कुछ नहीं सोच पाते, तब वहाँ पे हम पठान को जरूर पाते हैं। और पठान ने अपनी सूझबूझ से इंडिया को कई बार मुसीबत से निकाला है। मैं तो ये नहीं जानता कि पठान कौन है, यहाँ कहाँ से आया है, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि पठान एक सच्चा देशभक्त है और वो कभी भी इंडिया के साथ नहीं छोड़ेगा। इतना कर्नल ने कहा ही था कि तभी अंजलि कर्नल से पूछती है कि अगर किसी को पठान के बारे में कुछ पता नहीं है तो आखिरकार उसका नाम पठान कैसे रखा। इतना कहते ही हम कहानी को फ्लैशबैक में जाते हुए देखते हैं, जहां पे एक वॉर के बाद अफगानिस्तान से बचे हुए इंडियन सिविलियंस वापस अपने देश की तरफ आ रहे थे कि तभी उस बस में एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। इस धमाके की गूंज से ही समझ आ गया था कि इसमें कोई नहीं बचा होगा, पर ऐसा हुआ भी था। बस में मौजूद सभी लोग मारे जाते हैं, बस एक 13 साल का बच्चे को छोड़ के। धमाका इतना तेज था कि बच्चा अपनी याददाश्त खो देता है। उसे न अपनी माँ का पता है और न ही अपने पिता का, लेकिन दुनिया का कहना ये था कि ये लड़का अफगानी पठान है जो कि बस में बॉम्ब प्लान करने ही चढ़ा था, इसलिए तो सभी मर गए लेकिन ये बच्चा बच गया। दुनिया ने पठान को एक टेररिस्ट मान लिया था और उसे एक जेल में कैद कर दिया गया, जिसके बाद उसके ऊपर कई टॉर्चर्स का इस्तेमाल किया गया ताकि वो उन्हें बता दे कि उनका लीडर कौन है, लेकिन याददाश्त ना होने के कारण पठान के पास कोई जवाब नहीं होता। लेकिन अजीब बात ये थी कि उस बच्चे को हिंदी और सारी लैंग्वेज आती थी जो कि इंडिया में मौजूद है, जिसके कारण एक रॉ एजेंट को समझ आ जाता है कि ये लड़का इंडियन ही है, जिसके बाद वो रॉ एजेंट गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करके उस बच्चे की कस्टडी अपने पास ले लेता है। जिसके बाद कुछ ही दिनों बाद होता कुछ ऐसा है कि टेररिस्ट आके उस रॉ एजेंट पे हमला कर देते हैं
जिससे कि उसकी मौत हो जाती है और अब दुनिया को कंफर्म हो जाता है कि वो लड़का टेररिस्ट है। तब से उसका नाम पठान हो गया। उसे इंडिया में खोजा भी गया था लेकिन उसका कभी कुछ पता नहीं चला, लेकिन बहुत सारी जगहों पे उसे देखा गया इंडिया की मदद करते हुए, जो कि शायद इसलिए था क्योंकि पठान खुद को प्रूफ करना चाहता था कि वो एक देशभक्त है इंडिया की मदद करके, जो कि शायद उसकी मदद कर पाए उसके ऊपर से टेररिस्ट का धब्बा हटाने में। लूथरा आगे बताते हैं कि पठान के बारे में हमें सबसे पहले पता तब चला था जब यूएसए में एक इंडियन मिनिस्टर की बेटी को एक टूर के दौरान किडनैप कर लिया गया था, और तब हमने अपने काबिल रॉ एजेंट कबीर खान को उसे बचाने के लिए भेजा, लेकिन फिर भी उनकी पकड़ कॉलेज के बच्चों पे थी तो वो उन्हें मारना शुरू करने वाले थे, जिसकी वजह से वहाँ पे हमें टाइगर भाई को भेजना पड़ा, लेकिन फिर भी कुछ फायदा नहीं हो रहा था, मिशन उनके हाथ से निकल रहा था कि तभी वहाँ पे पठान आके कबीर और टाइगर भाई की मदद से इंडियन बच्चों की जान बचा लेते हैं, और तब से हमें पता चला कि पठान एक इंडियन है और वो एक सच्चा देशभक्त है। अब आपको लग रहा होगा कि कहानी यहाँ पे खत्म है, लेकिन नहीं, कहानी यहाँ से एक भयंकर ट्विस्ट लेती है जो कि मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। बात करें इस मूवी की तो मूवी में वापसी कर रहे हैं शाहरुख खान करीब 3 सालों के बाद, जिसकी वजह से क्रेज और हाइप बहुत ही भयंकर बना हुआ है, लेकिन इसी में एक विवाद भी हो रखा है क्योंकि दीपिका ने कुछ ऐसे कपड़े पहने हैं जो कि देशवासियों के फीलिंग्स को ठेस पहुंचा रही है, और अब पब्लिक वापस से बॉयकॉट करने पे उतर आई है इस मूवी को। अब क्या इस बॉयकॉट के जमाने में पठान अपना कमाल दिखा पाएगी या फिर शाहरुख खान की वापसी हक देगी? पठान मूवी को डायरेक्ट किया गया है सिद्धार्थ आनंद ने, जो कि एक अच्छे डायरेक्टर हैं। उन्होंने बहुत सारी बड़ी मूवीज में काम किया है जो कि बॉक्स ऑफिस पे हिट रही है, जैसे बैंग बैंग, वॉर, अनजाना अनजानी, जो कि बहुत ही अच्छी मूवीज रही हैं। तो अब मुझे बस ये देखना है कि क्या ये भी मूवीज बाकियों की तरह हिट रहेगी या बॉयकॉट इसे निगल लेगा। मूवी रिलीज होने वाली है 25 जनवरी को, तो आप देखने जरूर जाना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, कमेंट में जरूर बताना कि मूवी कैसी लगी। तब तक के लिए चलता हूँ, ओके बाय। कर्नल सुनील लूथरा, जो कि रॉ एजेंसी के चीफ है, उनको खबर मिलती है कि इंडिया से दुबई जाने वाले एरोप्लेन को अब्दुल हामिद नाम की टेररिस्ट ग्रुप ने हाईजैक कर लिया है, जिसके बाद कर्नल लूथरा रॉ एजेंसी के सबसे काबिल एजेंट कबीर यानी कि ऋतिक को इस मिशन पे भेजना चाहते थे, लेकिन कबीर उन दिनों अपने किसी दूसरे मिशन के लिए टर्की गया था, इसलिए इंडियन रॉ एजेंसी उस मिशन पे अपने अंडर ट्रेनिंग एजेंट सुमित मेहता और अंजलि शर्मा को भेजने का प्लान बनाते हैं। सुमित मेहता और अंजलि शर्मा अभी हाल ही में ट्रेन हो रहे थे, और कबीर के जाने के बाद यही दो काबिल एजेंट्स थे जिन पे रॉ भरोसा कर सकती थी, इसलिए इन दोनों को चूज किया जाता है। वहीं पे सीन बदलता है अब्दुल हामिद पे, जो कि इंडिया से अपनी डिमांड रखता है और कहता है कि सुनो इंडिया, मेरी पहली डिमांड ये है कि तुम्हारे तिहाड़ जेल में बंद मेरा सबसे करीबी दोस्त ईमान अंसारी को जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए और उसे एक बैग में 100 करोड़ दिया जाए, तभी मैं तुम्हारे देश वालों को सही सलामत आजाद करूंगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो दुबई में आने से पहले तुम्हारे इंडियन पैसेंजर्स अपनी जान खो देंगे। अब अब्दुल हामिद सबसे पहले तो प्लेन के ट्रैकर को तोड़ देता है, जिससे कि इंडिया गवर्नमेंट को उसके एग्जैक्ट लोकेशन का पता नहीं चल पाए, जिसके बाद अब्दुल हामिद पायलट को एरोप्लेन को एक घने जंगल पे लैंड करने को कहता है। अब इंडियन गवर्नमेंट को ये नहीं पता था कि अब्दुल हामिद ने एरोप्लेन को किस जगह पे लैंड करवाया है, लेकिन सुमित मेहरा और अंजलि शर्मा किसी भी तरीके से उस लोकेशन का पता लगा लेते हैं और उस जंगल में पहुंच जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि दोनों कुछ करते, अब्दुल को यहाँ पे सब कुछ पहले ही पता चल जाता है और वो उन पे हमला करवा देता है। दोनों जैसे तैसे करके उनकी गोलियों से बच जाते हैं, लेकिन तभी अब्दुल का अनाउंसमेंट आता है कि इस गलती की भुगतान अब इंडियन पैसेंजर्स करेंगे, और वो उन्हें मारने ही वाला था कि तभी सुमित और अंजलि खुद को अब्दुल के हवाले कर देते हैं। और अब जैसा कि सुमित और अंजलि दोनों ही अब्दुल के कब्जे में आ चुके हैं, और अब्दुल हामिद इन्हें कभी भी मारने के मूड में था, क्योंकि ये आए थे अब्दुल हामिद के प्लान पर पानी फेरने के लिए, तभी वहाँ पे एंट्री होती है पठान की।
पठान पता नहीं कहां से उस जंगल में पहुंच जाता है और अकेला ही टेररिस्ट पे हमला कर देता है और इस बंदे के सामने कोई भी टेररिस्ट टिक नहीं पाता। पठान सभी टेररिस्ट को मार देता है और अब्दुल हामिद के भी कान फाड़ देता है, जिसके बाद पठान उस प्लेन और उसके पैसेंजर्स को सही सलामत दुबई भेज देता है और फिर से गायब हो जाता है। अब सुमित और अंजलि को समझ नहीं आता कि आखिरकार ये आदमी कौन है और कहां से आया है और इसने उन्हें बचाया क्यों। तभी सीन बदलता है कर्नल लूथरा पे, जो कि अपने रॉ एजेंट्स को पठान के बारे में बताते हैं। पठान एक ऐसा जाबाज एजेंट है जो कि रॉ में भी नहीं है और ना ही वो किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। पठान तो एक ऐसा सुपर हीरो है जो कि तभी प्रकट होता है जब इंडिया को उसकी जरूरत पड़ती है, यानी कि जब भी इंडिया किसी ऐसी मुसीबत में आता है जब वो आगे कुछ नहीं सोच पाते, तब वहाँ पे हम पठान को जरूर पाते हैं। और पठान ने अपनी सूझबूझ से इंडिया को कई बार मुसीबत से निकाला है। मैं तो ये नहीं जानता कि पठान कौन है, यहाँ कहाँ से आया है, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि पठान एक सच्चा देशभक्त है और वो कभी भी इंडिया के साथ नहीं छोड़ेगा। इतना कर्नल ने कहा ही था कि तभी अंजलि कर्नल से पूछती है कि अगर किसी को पठान के बारे में कुछ पता नहीं है तो आखिरकार उसका नाम पठान कैसे रखा। इतना कहते ही हम कहानी को फ्लैशबैक में जाते हुए देखते हैं, जहां पे एक वॉर के बाद अफगानिस्तान से बचे हुए इंडियन सिविलियंस वापस अपने देश की तरफ आ रहे थे कि तभी उस बस में एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। इस धमाके की गूंज से ही समझ आ गया था कि इसमें कोई नहीं बचा होगा, पर ऐसा हुआ भी था। बस में मौजूद सभी लोग मारे जाते हैं, बस एक 13 साल का बच्चे को छोड़ के। धमाका इतना तेज था कि बच्चा अपनी याददाश्त खो देता है। उसे ना अपनी माँ का पता है और ना ही अपने पिता का, लेकिन दुनिया का कहना ये था कि ये लड़का अफगानी पठान है जो कि बस में बॉम्ब प्लान करने ही चढ़ा था, इसलिए तो सभी मर गए लेकिन ये बच्चा बच गया। दुनिया ने पठान को एक टेररिस्ट मान लिया था और उसे एक जेल में कैद कर दिया गया, जिसके बाद उसके ऊपर कई टॉर्चर्स का इस्तेमाल किया गया ताकि वो उन्हें बता दे कि उनका लीडर कौन है, लेकिन याददाश्त ना होने के कारण पठान के पास कोई जवाब नहीं होता। लेकिन अजीब बात ये थी कि उस बच्चे को हिंदी और सारी लैंग्वेज आती थी जो कि इंडिया में मौजूद है, जिसके कारण एक रॉ एजेंट को समझ आ जाता है कि ये लड़का इंडियन ही है, जिसके बाद वो रॉ एजेंट गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करके इस बच्चे की कस्टडी अपने पास ले लेता है। जिसके बाद कुछ ही दिनों बाद होता कुछ ऐसा है कि टेररिस्ट आके उस रॉ एजेंट पे हमला कर देते हैं, जिससे कि उसकी मौत हो जाती है और अब दुनिया को कंफर्म हो जाता है कि वो लड़का टेररिस्ट है। तब से उसका नाम पठान हो गया। उसे इंडिया में खोजा भी गया था लेकिन उसका कभी कुछ पता नहीं चला, लेकिन बहुत सारी जगहों पे उसे देखा गया इंडिया की मदद करते हुए, जो कि शायद इसलिए था क्योंकि पठान खुद को प्रूफ करना चाहता था कि वो एक देशभक्त है इंडिया की मदद करके, जो कि शायद उसकी मदद कर पाए उसके ऊपर से टेररिस्ट का धब्बा हटाने में। लूथरा आगे बताते हैं कि पठान के बारे में हमें सबसे पहले पता तब चला था जब यूएसए में एक इंडियन मिनिस्टर की बेटी को एक टूर के दौरान किडनैप कर लिया गया था, और तब हमने अपने काबिल रॉ एजेंट कबीर खान को उसे बचाने के लिए भेजा, लेकिन फिर भी उनकी पकड़ कॉलेज के बच्चों पे थी तो वो उन्हें मारना शुरू करने वाले थे, जिसकी वजह से वहाँ पे हमें टाइगर भाई को भेजना पड़ा, लेकिन फिर भी कुछ फायदा नहीं हो रहा था, मिशन उनके हाथ से निकल रहा था कि तभी वहाँ पे पठान आके कबीर और टाइगर भाई की मदद से इंडियन बच्चों की जान बचा लेते हैं, और तब से हमें पता चला कि पठान एक इंडियन है और वो एक सच्चा देशभक्त है। अब आपको लग रहा होगा कि कहानी यहाँ पे खत्म है, लेकिन नहीं, कहानी यहाँ से एक भयंकर ट्विस्ट लेती है जो कि मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। बात करें इस मूवी की तो मूवी में वापसी कर रहे हैं शाहरुख खान करीब 3 सालों के बाद, जिसकी वजह से क्रेज और हाइप बहुत ही भयंकर बना हुआ है। लेकिन इसी में एक विवाद भी हो रखा है क्योंकि दीपिका ने कुछ ऐसे कपड़े पहने हैं जो कि देशवासियों के फीलिंग्स को ठेस पहुंचा रही है, और अब पब्लिक वापस से बॉयकॉट करने पे उतर आई है इस मूवी को। अब क्या इस बॉयकॉट के जमाने में पठान अपना कमाल दिखा पाएगी या फिर शाहरुख खान की वापसी हक देगी। पठान मूवी को डायरेक्ट किया गया है सिद्धार्थ आनंद ने, जो कि एक अच्छे डायरेक्टर हैं। उन्होंने बहुत सारी बड़ी मूवीज में काम किया है जो कि बॉक्स ऑफिस पे हिट रही है, जैसे बैंग बैंग, वॉर, अनजाना अनजानी
जो कि बहुत ही अच्छी मूवीज रही हैं। तो अब मुझे बस ये देखना है कि क्या ये भी मूवीज बाकियों की तरह हिट रहेगी या बॉयकॉट इसे निगल लेगा। मूवी रिलीज होने वाली है 25 जनवरी को, तो आप देखने जरूर जाना। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ कमेंट में जरूर बताना कि मूवी कैसी लगी। तब तक के लिए चलता हूँ, ओके बाय। कर्नल सुनील लूथरा जो कि रॉ एजेंसी के चीफ है, उनको खबर मिलती है कि इंडिया से दुबई जाने वाले एरोप्लेन को अब्दुल हामिद नाम की टेररिस्ट ग्रुप ने हाईजैक कर लिया है, जिसके बाद कर्नल लूथरा रॉ एजेंसी के सबसे काबिल एजेंट कबीर यानी कि ऋतिक को इस मिशन पे भेजना चाहते थे, लेकिन कबीर उन दिनों अपने किसी दूसरे मिशन के लिए टर्की गया था। इसलिए इंडियन रॉ एजेंसी उस मिशन पे अपने अंडर ट्रेनिंग एजेंट सुमित मेहता और अंजलि शर्मा को भेजने का प्लान बनाते हैं। सुमित मेहता और अंजलि शर्मा अभी हाल ही में ट्रेन हो रहे थे, और कबीर के जाने के बाद यही दो काबिल एजेंट्स थे जिन पे रॉ भरोसा कर सकती थी, इसलिए इन दोनों को चूज किया जाता है। वहीं पे सीन बदलता है अब्दुल हामिद पे, जो कि इंडिया से अपनी डिमांड रखता है और कहता है कि सुनो इंडिया, मेरी पहली डिमांड ये है कि तुम्हारे तिहाड़ जेल में बंद मेरा सबसे करीबी दोस्त ईमान अंसारी को जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए और उसे एक बैग में 100 करोड़ दिया जाए, तभी मैं तुम्हारे देश वालों को सही सलामत आजाद करूंगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो दुबई में आने से पहले तुम्हारे इंडियन पैसेंजर्स अपनी जान खो देंगे। अब अब्दुल हामिद सबसे पहले तो प्लेन के ट्रैकर को तोड़ देता है, जिससे कि इंडिया गवर्नमेंट को उसके एग्जैक्ट लोकेशन का पता नहीं चल पाए, जिसके बाद अब्दुल हामिद पायलट को एरोप्लेन को एक घने जंगल में लैंड करने को कहता है। अब इंडियन गवर्नमेंट को ये नहीं पता था कि अब्दुल हामिद ने एरोप्लेन को किस जगह पे लैंड करवाया है, लेकिन सुमित मेहरा और अंजलि शर्मा किसी भी तरीके से उस लोकेशन का पता लगा लेते हैं और उस जंगल में पहुंच जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि दोनों कुछ करते, अब्दुल को यहाँ पे सब कुछ पहले ही पता चल जाता है और वो उनपे हमला करवा देता है। दोनों जैसे तैसे करके उनकी गोलियों से बच जाते हैं, लेकिन तभी अब्दुल का अनाउंसमेंट आता है कि इस गलती की भुगतान अब इंडियन पैसेंजर्स करेंगे, और वो उन्हें मारने ही वाला था कि तभी सुमित और अंजलि खुद को अब्दुल के हवाले कर देते हैं। और अब जैसा कि सुमित और अंजलि दोनों ही अब्दुल के कब्जे में आ चुके हैं, और अब्दुल हामिद इन्हें कभी भी मारने के मूड में था, क्योंकि ये आए थे अब्दुल हामिद के प्लान पर पानी फेरने के लिए। तभी वहाँ पे एंट्री होती है पठान की। पठान पता नहीं कहाँ से उस जंगल में पहुँच जाता है और अकेला ही टेररिस्ट पे हमला कर देता है, और इस बंदे के सामने कोई भी टेररिस्ट टिक नहीं पाता। पठान सभी टेररिस्ट को मार देता है और अब्दुल हामिद के भी कान फाड़ देता है, जिसके बाद पठान उस प्लेन और उसके पैसेंजर्स को सही सलामत दुबई भेज देता है और फिर से गायब हो जाता है। अब सुमित और अंजलि को समझ नहीं आता कि आखिरकार ये आदमी कौन है और कहाँ से आया है और इसने उन्हें बचाया क्यों। तभी सीन बदलता है कर्नल लूथरा पे, जो कि अपने रॉ एजेंट्स को पठान के बारे में बताते हैं। पठान एक ऐसा जाबाज एजेंट है जो कि रॉ में भी नहीं है और ना ही वो किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। पठान तो एक ऐसा सुपर हीरो है जो कि तभी प्रकट होता है जब इंडिया को उसकी जरूरत पड़ती है, यानी कि जब भी इंडिया किसी ऐसी मुसीबत में आता है जब वो आगे कुछ नहीं सोच पाते, तब वहाँ पे हम पठान को जरूर पाते हैं। और पठान ने अपनी सूझबूझ से इंडिया को कई बार मुसीबत से निकाला है। मैं तो ये नहीं जानता कि पठान कौन है, यहाँ कहाँ से आया है, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि पठान एक सच्चा देशभक्त है और वो कभी भी इंडिया के साथ नहीं छोड़ेगा। इतना कर्नल ने कहा ही था कि तभी अंजलि कर्नल से पूछती है कि अगर किसी को पठान के बारे में कुछ पता नहीं है तो आखिरकार उसका नाम पठान कैसे रखा। इतना कहते ही हम कहानी को फ्लैशबैक में जाते हुए देखते हैं, जहां पे एक वॉर के बाद अफगानिस्तान से बचे हुए इंडियन सिविलियंस वापस अपने देश की तरफ आ रहे थे कि तभी उस बस में एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। इस धमाके की गूंज से ही समझ आ गया था कि इसमें कोई नहीं बचा होगा, पर ऐसा हुआ भी था। बस में मौजूद सभी लोग मारे जाते हैं, बस एक 13 साल का बच्चे को छोड़ के। धमाका इतना तेज था कि बच्चा अपनी याददाश्त खो देता है। उसे ना अपनी माँ का पता है और ना ही अपने पिता का, लेकिन दुनिया का कहना ये था कि ये लड़का अफगानी पठान है जो कि बस में बॉम्ब प्लान करने ही चढ़ा था, इसलिए तो सभी मर गए लेकिन ये बच्चा बच गया। दुनिया ने पठान को एक टेररिस्ट मान लिया था और उसे एक जेल में कैद कर दिया गया, जिसके बाद उसके ऊपर कई टॉर्चर्स का इस्तेमाल किया गया ताकि वो उन्हें बता दे कि उनका लीडर कौन है, लेकिन याददाश्त ना होने के कारण
पठान के पास कोई जवाब नहीं होता। लेकिन अजीब बात ये थी कि उस बच्चे को हिंदी और सारी लैंग्वेज आती थी जो कि इंडिया में मौजूद है, जिसके कारण एक रॉ एजेंट को समझ आ जाता है कि ये लड़का इंडियन ही है। जिसके बाद वो रॉ एजेंट गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करके इस बच्चे की कस्टडी अपने पास ले लेता है। जिसके बाद कुछ ही दिनों बाद होता कुछ ऐसा है कि टेररिस्ट आके उस रॉ एजेंट पे हमला कर देते हैं, जिससे कि उसकी मौत हो जाती है और अब दुनिया को कंफर्म हो जाता है कि वो लड़का टेररिस्ट है। तब से उसका नाम पठान हो गया। उसे इंडिया में खोजा भी गया था लेकिन उसका कभी कुछ पता नहीं चला, लेकिन बहुत सारी जगहों पे उसे देखा गया इंडिया की मदद करते हुए, जो कि शायद इसलिए था क्योंकि पठान खुद को प्रूफ करना चाहता था कि वो एक देशभक्त है इंडिया की मदद करके, जो कि शायद उसकी मदद कर पाए उसके ऊपर से टेररिस्ट का धब्बा हटाने में। लूथरा आगे बताते हैं कि पठान के बारे में हमें सबसे पहले पता तब चला था जब यूएसए में एक इंडियन मिनिस्टर की बेटी को एक टूर के दौरान किडनैप कर लिया गया था, और तब हमने अपने काबिल रॉ एजेंट कबीर खान को उसे बचाने के लिए भेजा, लेकिन फिर भी उनकी पकड़ कॉलेज के बच्चों पे थी तो वो उन्हें मारना शुरू करने वाले थे, जिसकी वजह से वहाँ पे हमें टाइगर भाई को भेजना पड़ा। लेकिन फिर भी कुछ फायदा नहीं हो रहा था, मिशन उनके हाथ से निकल रहा था कि तभी वहाँ पे पठान आके कबीर और टाइगर भाई की मदद से इंडियन बच्चों की जान बचा लेते हैं, और तब से हमें पता चला कि पठान एक इंडियन है और वो एक सच्चा देशभक्त है। अब आपको लग रहा होगा कि कहानी यहाँ पे खत्म है, लेकिन नहीं, कहानी यहाँ से एक भयंकर ट्विस्ट लेती है जो कि मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। बात करें इस मूवी की तो मूवी में वापसी कर रहे हैं शाहरुख खान करीब 3 सालों के बाद, जिसकी वजह से क्रेज और हाइप बहुत ही भयंकर बना हुआ है। लेकिन इसी में एक विवाद भी हो रखा है क्योंकि दीपिका ने कुछ ऐसे कपड़े पहने हैं जो कि देशवासियों के फीलिंग्स को ठेस पहुंचा रही है, और अब पब्लिक वापस से बॉयकॉट करने पे उतर आई है इस मूवी को। अब क्या इस बॉयकॉट के जमाने में पठान अपना कमाल दिखा पाएगी या फिर शाहरुख खान की वापसी हक देगी? पठान मूवी को डायरेक्ट किया गया है सिद्धार्थ आनंद ने, जो कि एक अच्छे डायरेक्टर हैं। उन्होंने बहुत सारी बड़ी मूवीज में काम किया है जो कि बॉक्स ऑफिस पे हिट रही है, जैसे बैंग बैंग, वॉर, अनजाना अनजानी, जो कि बहुत ही अच्छी मूवीज रही हैं। तो अब मुझे बस ये देखना है कि क्या ये भी मूवीज बाकियों की तरह हिट रहेगी या बॉयकॉट इसे निगल लेगा। मूवी रिलीज होने वाली है 25 जनवरी को, तो आप देखने जरूर जाना। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, कमेंट में जरूर बताना कि मूवी कैसी लगी। तब तक के लिए चलता हूँ, ओके बाय। कर्नल सुनील लूथरा, जो कि रॉ एजेंसी के चीफ है, उनको खबर मिलती है कि इंडिया से दुबई जाने वाले एरोप्लेन को अब्दुल हामिद नाम की टेररिस्ट ग्रुप ने हाईजैक कर लिया है। जिसके बाद कर्नल लूथरा रॉ एजेंसी के सबसे काबिल एजेंट कबीर यानी कि ऋतिक को इस मिशन पे भेजना चाहते थे, लेकिन कबीर उन दिनों अपने किसी दूसरे मिशन के लिए टर्की गया था, इसलिए इंडियन रॉ एजेंसी उस मिशन पे अपने अंडर ट्रेनिंग एजेंट सुमित मेहता और अंजलि शर्मा को भेजने का प्लान बनाते हैं। सुमित मेहता और अंजलि शर्मा अभी हाल ही में ट्रेन हो रहे थे, और कबीर के जाने के बाद यही दो काबिल एजेंट्स थे जिन पे रॉ भरोसा कर सकती थी, इसलिए इन दोनों को चूज किया जाता है। वहीं पे सीन बदलता है अब्दुल हामिद पे, जो कि इंडिया से अपनी डिमांड रखता है और कहता है कि सुनो इंडिया, मेरी पहली डिमांड ये है कि तुम्हारे तिहार जेल में बंद मेरा सबसे करीबी दोस्त ईमान अंसारी को जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए और उसे एक बैग में 100 करोड़ दिया जाए, तभी मैं तुम्हारे देश वालों को सही सलामत आजाद करूंगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो दुबई में आने से पहले तुम्हारे इंडियन पैसेंजर्स अपनी जान खो देंगे। अब अब्दुल हामिद सबसे पहले तो प्लेन के ट्रैकर को तोड़ देता है, जिससे कि इंडिया गवर्नमेंट को उसके एग्जैक्ट लोकेशन का पता नहीं चल पाए। जिसके बाद अब्दुल हामिद पायलट को एरोप्लेन को एक घने जंगल में लैंड करने को कहता है। अब इंडियन गवर्नमेंट को ये नहीं पता था कि अब्दुल हामिद ने एरोप्लेन को किस जगह पे लैंड करवाया है, लेकिन सुमित मेहरा और अंजलि शर्मा किसी भी तरीके से उस लोकेशन का पता लगा लेते हैं और उस जंगल में पहुंच जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि दोनों कुछ करते, अब्दुल को यहाँ पे सब कुछ पहले ही पता चल जाता है और वो उन पे हमला करवा देता है। दोनों जैसे तैसे करके उनकी गोलियों से बच जाते हैं, लेकिन तभी अब्दुल का अनाउंसमेंट आता है कि इस गलती की भुगतान अब इंडियन पैसेंजर्स करेंगे, और वो उन्हें मारने ही वाला था कि तभी सुमित और अंजलि खुद को अब्दुल के हवाले कर देते हैं।
और अब जैसा कि सुमित और अंजलि दोनों ही अब्दुल के कब्जे में आ चुके हैं और अब्दुल हामिद इन्हें कभी भी मारने के मूड में था क्योंकि ये आए थे अब्दुल हामिद के प्लान पर पानी फेरने के लिए। तभी वहाँ पे एंट्री होती है पठान की। पठान पता नहीं कहां से उस जंगल में पहुंच जाता है और अकेला ही टेररिस्ट पे हमला कर देता है और इस बंदे के सामने कोई भी टेररिस्ट टिक नहीं पाता। पठान सभी टेररिस्ट को मार देता है और अब्दुल हामिद की भी कान फाड़ देता है, जिसके बाद पठान उस प्लेन और उसके पैसेंजर्स को सही सलामत दुबई भेज देता है और फिर से गायब हो जाता है। अब सुमित और अंजलि को समझ नहीं आता कि आखिरकार ये आदमी कौन है और कहां से आया है और इसने उन्हें बचाया क्यों। तभी सीन बदलता है कर्नल लूथरा पे, जो कि अपने रॉ एजेंट्स को पठान के बारे में बताते हैं। पठान एक ऐसा जाबाज एजेंट है जो कि रॉ में भी नहीं है और ना ही वो किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। पठान तो एक ऐसा सुपर हीरो है जो कि तभी प्रकट होता है जब इंडिया को उसकी जरूरत पड़ती है, यानी कि जब भी इंडिया किसी ऐसी मुसीबत में आता है जब वो आगे कुछ नहीं सोच पाते, तब वहाँ पे हम पठान को जरूर पाते हैं। और पठान ने अपनी सूझबूझ से इंडिया को कई बार मुसीबत से निकाला है। मैं तो ये नहीं जानता कि पठान कौन है, यहाँ कहाँ से आया है, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि पठान एक सच्चा देशभक्त है और वो कभी भी इंडिया के साथ नहीं छोड़ेगा। इतना कर्नल ने कहा ही था कि तभी अंजलि कर्नल से पूछती है कि अगर किसी को पठान के बारे में कुछ पता नहीं है तो आखिरकार उसका नाम पठान कैसे रखा। इतना कहते ही हम कहानी को फ्लैशबैक में जाते हुए देखते हैं, जहां पे एक वॉर के बाद अफगानिस्तान से बचे हुए इंडियन सिविलियंस वापस अपने देश की तरफ आ रहे थे कि तभी उस बस में एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। इस धमाके की गूंज से ही समझ आ गया था कि इसमें कोई नहीं बचा होगा, पर ऐसा हुआ भी था। बस में मौजूद सभी लोग मारे जाते हैं, बस एक 13 साल का बच्चे को छोड़ के। धमाका इतना तेज था कि बच्चा अपनी याददाश्त खो देता है। उसे ना अपनी माँ का पता है और ना ही अपने पिता का, लेकिन दुनिया का कहना ये था कि ये लड़का अफगानी पठान है जो कि बस में बॉम्ब प्लान करने ही चढ़ा था। इसलिए तो सभी मर गए, लेकिन ये बच्चा बच गया। दुनिया ने पठान को एक टेररिस्ट मान लिया था और उसे एक जेल में कैद कर दिया गया, जिसके बाद उसके ऊपर कई टॉर्चर्स का इस्तेमाल किया गया ताकि वो उन्हें बता दे कि उनका लीडर कौन है, लेकिन याददाश्त ना होने के कारण पठान के पास कोई जवाब नहीं होता। लेकिन अजीब बात ये थी कि उस बच्चे को हिंदी और सारी लैंग्वेज आती थी जो कि इंडिया में मौजूद है, जिसके कारण एक रॉ एजेंट को समझ आ जाता है कि ये लड़का इंडियन ही है, जिसके बाद वो रॉ एजेंट गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करके उस बच्चे की कस्टडी अपने पास ले लेता है। जिसके बाद कुछ ही दिनों बाद होता कुछ ऐसा है कि टेररिस्ट आके उस रॉ एजेंट पे हमला कर देते हैं, जिससे कि उसकी मौत हो जाती है और अब दुनिया को कंफर्म हो जाता है कि वो लड़का टेररिस्ट है। तब से उसका नाम पठान हो गया। उसे इंडिया में खोजा भी गया था, लेकिन उसका कभी कुछ पता नहीं चला, लेकिन बहुत सारी जगहों पे उसे देखा गया इंडिया की मदद करते हुए, जो कि शायद इसलिए था क्योंकि पठान खुद को प्रूफ करना चाहता था कि वो एक देशभक्त है इंडिया की मदद करके, जो कि शायद उसकी मदद कर पाए उसके ऊपर से टेररिस्ट का धब्बा हटाने में। लूथरा आगे बताते हैं कि पठान के बारे में हमें सबसे पहले पता तब चला था जब यूएसए में एक इंडियन मिनिस्टर की बेटी को एक टूर के दौरान किडनैप कर लिया गया था, और तब हमने अपने काबिल रॉ एजेंट कबीर खान को उसे बचाने के लिए भेजा, लेकिन फिर भी उनकी पकड़ कॉलेज के बच्चों पे थी तो वो उन्हें मारना शुरू करने वाले थे, जिसकी वजह से वहाँ पे हमें टाइगर भाई को भेजना पड़ा, लेकिन फिर भी कुछ फायदा नहीं हो रहा था, मिशन उनके हाथ से निकल रहा था कि तभी वहाँ पे पठान आके कबीर और टाइगर भाई की मदद से इंडियन बच्चों की जान बचा लेते हैं, और तब से हमें पता चला कि पठान एक इंडियन है और वो एक सच्चा देशभक्त है। अब आपको लग रहा होगा कि कहानी यहाँ पे खत्म है, लेकिन नहीं, कहानी यहाँ से एक भयंकर ट्विस्ट लेती है जो कि मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। बात करें इस मूवी की तो मूवी में वापसी कर रहे हैं शाहरुख खान करीब 3 सालों के बाद, जिसकी वजह से क्रेज और हाइप बहुत ही भयंकर बना हुआ है। लेकिन इसी में एक विवाद भी हो रखा है, क्योंकि दीपिका ने कुछ ऐसे कपड़े पहने हैं जो कि देशवासियों के फीलिंग्स को ठेस पहुंचा रही है, और अब पब्लिक वापस से बॉयकॉट करने पे उतर आई है इस मूवी को। अब क्या इस बॉयकॉट के जमाने में पठान अपना कमाल दिखा पाएगी या फिर शाहरुख खान की वापसी हक देगी। पठान मूवी को डायरेक्ट किया गया है सिद्धार्थ आनंद ने, जो कि एक अच्छे डायरेक्टर हैं। उन्होंने बहुत सारी बड़ी मूवीज में काम किया है जो कि बॉक्स ऑफिस पे हिट रही है, जैसे बैंग बैंग, वॉर, अनजाना अनजानी
जो कि बहुत ही अच्छी मूवीज रही हैं। तो अब मुझे बस ये देखना है कि क्या ये भी मूवीज बाकियों की तरह हिट रहेगी या बॉयकॉट इसे निगल लेगा। मूवी रिलीज होने वाली है 25 जनवरी को, तो आप देखने जरूर जाना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ कमेंट में जरूर बताना कि मूवी कैसी लगी। तब तक के लिए चलता हूँ, ओके बाय। कर्नल सुनील लूथरा जो कि रॉ एजेंसी के चीफ है, उनको खबर मिलती है कि इंडिया से दुबई जाने वाले एरोप्लेन को अब्दुल हामिद नाम की टेररिस्ट ग्रुप ने हाईजैक कर लिया है, जिसके बाद कर्नल लूथरा रॉ एजेंसी के सबसे काबिल एजेंट कबीर यानी कि ऋतिक को इस मिशन पे भेजना चाहते थे, लेकिन कबीर उन दिनों अपने किसी दूसरे मिशन के लिए टर्की गया था, इसलिए इंडियन रॉ एजेंसी उस मिशन पे अपने अंडर ट्रेनिंग एजेंट सुमित मेहता और अंजलि शर्मा को भेजने का प्लान बनाते हैं। सुमित मेहता और अंजलि शर्मा अभी हाल ही में ट्रेन हो रहे थे और कबीर के जाने के बाद यही दो काबिल एजेंट्स थे जिन पे रॉ भरोसा कर सकती थी, इसलिए इन दोनों को चूज किया जाता है। वहीं पे सीन बदलता है अब्दुल हामिद पे, जो कि इंडिया से अपनी डिमांड रखता है और कहता है कि सुनो इंडिया, मेरी पहली डिमांड ये है कि तुम्हारे तिहाड़ जेल में बंद मेरा सबसे करीबी दोस्त ईमान अंसारी को जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए और उसे एक बैग में 100 करोड़ दिया जाए, तभी मैं तुम्हारे देश वालों को सही सलामत आजाद करूंगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो दुबई में आने से पहले तुम्हारे इंडियन पैसेंजर्स अपनी जान खो देंगे। अब अब्दुल हामिद सबसे पहले तो प्लेन के ट्रैकर को तोड़ देता है, जिससे कि इंडिया गवर्नमेंट को उसके एग्जैक्ट लोकेशन का पता नहीं चल पाए, जिसके बाद अब्दुल हामिद पायलट को एरोप्लेन को एक घने जंगल पे लैंड करने को कहता है। अब इंडियन गवर्नमेंट को ये नहीं पता था कि अब्दुल हामिद ने एरोप्लेन को किस जगह पे लैंड करवाया है, लेकिन सुमित मेहरा और अंजलि शर्मा किसी भी तरीके से उस लोकेशन का पता लगा लेते हैं और उस जंगल में पहुंच जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि दोनों कुछ करते, अब्दुल को यहाँ पे सब कुछ पहले ही पता चल जाता है और वो उन पे हमला करवा देता है। दोनों जैसे तैसे करके उनकी गोलियों से बच जाते हैं, लेकिन तभी अब्दुल का अनाउंसमेंट आता है कि इस गलती की भुगतान अब इंडियन पैसेंजर्स करेंगे, और वो उन्हें मारने ही वाला था कि तभी सुमित और अंजलि खुद को अब्दुल के हवाले कर देते हैं। और अब जैसा कि सुमित और अंजलि दोनों ही अब्दुल के कब्जे में आ चुके हैं और अब्दुल हामिद इन्हें कभी भी मारने के मूड में था, क्योंकि ये आए थे अब्दुल हामिद के प्लान पर पानी फेरने के लिए, तभी वहाँ पे एंट्री होती है पठान की। पठान पता नहीं कहाँ से उस जंगल में पहुँच जाता है और अकेला ही टेररिस्ट पे हमला कर देता है, और इस बंदे के सामने कोई भी टेररिस्ट टिक नहीं पाता। पठान सभी टेररिस्ट को मार देता है और अब्दुल हामिद के भी कान फाड़ देता है, जिसके बाद पठान उस प्लेन और उसके पैसेंजर्स को सही सलामत दुबई भेज देता है और फिर से गायब हो जाता है। अब सुमित और अंजलि को समझ नहीं आता कि आखिरकार ये आदमी कौन है और कहाँ से आया है और इसने उन्हें बचाया क्यों। तभी सीन बदलता है कर्नल लूथरा पे, जो कि अपने रॉ एजेंट्स को पठान के बारे में बताते हैं। पठान एक ऐसा जाबाज एजेंट है जो कि रॉ में भी नहीं है और ना ही वो किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। पठान तो एक ऐसा सुपर हीरो है जो कि तभी प्रकट होता है जब इंडिया को उसकी जरूरत पड़ती है, यानी कि जब भी इंडिया किसी ऐसी मुसीबत में आता है जब वो आगे कुछ नहीं सोच पाते, तब वहाँ पे हम पठान को जरूर पाते हैं। और पठान ने अपनी सूझबूझ से इंडिया को कई बार मुसीबत से निकाला है। मैं तो ये नहीं जानता कि पठान कौन है, यहाँ कहाँ से आया है, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि पठान एक सच्चा देशभक्त है और वो कभी भी इंडिया के साथ नहीं छोड़ेगा। इतना कर्नल ने कहा ही था कि तभी अंजलि कर्नल से पूछती है कि अगर किसी को पठान के बारे में कुछ पता नहीं है तो आखिरकार उसका नाम पठान कैसे रखा। इतना कहते ही हम कहानी को फ्लैशबैक में जाते हुए देखते हैं, जहां पे एक वॉर के बाद अफगानिस्तान से बचे हुए इंडियन सिविलियंस वापस अपने देश की तरफ आ रहे थे कि तभी उस बस में एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। इस धमाके की गूंज से ही समझ आ गया था कि इसमें कोई नहीं बचा होगा, पर ऐसा हुआ भी था। बस में मौजूद सभी लोग मारे जाते हैं, बस एक 13 साल का बच्चे को छोड़ के। धमाका इतना तेज था कि बच्चा अपनी याददाश्त खो देता है। उसे ना अपनी माँ का पता है और ना ही अपने पिता का, लेकिन दुनिया का कहना ये था कि ये लड़का अफगानी पठान है जो कि बस में बॉम्ब प्लांट करने ही चढ़ा था, इसलिए तो सभी मर गए लेकिन ये बच्चा बच गया। दुनिया ने पठान को एक टेररिस्ट मान लिया था और उसे एक जेल में कैद कर दिया गया, जिसके बाद उसके ऊपर कई टॉर्चर्स का इस्तेमाल किया गया ताकि वो उन्हें बता दे कि उनका लीडर कौन है, लेकिन याददाश्त ना होने के कारण
पठान के पास कोई जवाब नहीं होता। लेकिन अजीब बात ये थी कि उस बच्चे को हिंदी और सारी लैंग्वेज आती थी जो कि इंडिया में मौजूद है, जिसके कारण एक रॉ एजेंट को समझ आ जाता है कि ये लड़का इंडियन ही है। जिसके बाद वो रॉ एजेंट गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करके उस बच्चे की कस्टडी अपने पास ले लेता है। जिसके बाद कुछ ही दिनों बाद होता कुछ ऐसा है कि टेररिस्ट आके उस रॉ एजेंट पे हमला कर देते हैं, जिससे कि उसकी मौत हो जाती है और अब दुनिया को कंफर्म हो जाता है कि वो लड़का टेररिस्ट है। तब से उसका नाम पठान हो गया। उसे इंडिया में खोजा भी गया था लेकिन उसका कभी कुछ पता नहीं चला, लेकिन बहुत सारी जगहों पे उसे देखा गया इंडिया की मदद करते हुए, जो कि शायद इसलिए था क्योंकि पठान खुद को प्रूफ करना चाहता था कि वो एक देशभक्त है इंडिया की मदद करके, जो कि शायद उसकी मदद कर पाए उसके ऊपर से टेररिस्ट का धब्बा हटाने में। लूथर आगे बताते हैं कि पठान के बारे में हमें सबसे पहले पता तब चला था जब यूएसए में एक इंडियन मिनिस्टर की बेटी को एक टूर के दौरान किडनैप कर लिया गया था, और तब हमने अपने काबिल रॉ एजेंट कबीर खान को उसे बचाने के लिए भेजा, लेकिन फिर भी उनकी पकड़ कॉलेज के बच्चों पे थी तो वो उन्हें मारना शुरू करने वाले थे, जिसकी वजह से वहाँ पे हमें टाइगर भाई को भेजना पड़ा। लेकिन फिर भी कुछ फायदा नहीं हो रहा था, मिशन उनके हाथ से निकल रहा था कि तभी वहाँ पे पठान आके कबीर और टाइगर भाई की मदद से इंडियन बच्चों की जान बचा लेते हैं, और तब से हमें पता चला कि पठान एक इंडियन है और वो एक सच्चा देशभक्त है। अब आपको लग रहा होगा कि कहानी यहाँ पे खत्म है, लेकिन नहीं, कहानी यहाँ से एक भयंकर ट्विस्ट लेती है जो कि मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। बात करें इस मूवी की तो मूवी में वापसी कर रहे हैं शाहरुख खान करीब 3 सालों के बाद, जिसकी वजह से क्रेज और हाइप बहुत ही भयंकर बना हुआ है। लेकिन इसी में एक विवाद भी हो रखा है क्योंकि दीपिका ने कुछ ऐसे कपड़े पहने हैं जो कि देशवासियों के फीलिंग्स को ठेस पहुंचा रही है, और अब पब्लिक वापस से बॉयकॉट करने पे उतर आई है इस मूवी को। अब क्या इस बॉयकॉट के जमाने में पठान अपना कमाल दिखा पाएगी या फिर शाहरुख खान की वापसी हक देगी। पठान मूवी को डायरेक्ट किया गया है सिद्धार्थ आनंद ने, जो कि एक अच्छे डायरेक्टर हैं। उन्होंने बहुत सारी बड़ी मूवीज में काम किया है जो कि बॉक्स ऑफिस पे हिट रही है, जैसे बैंग बैंग, वॉर, अनजाना अनजानी, जो कि बहुत ही अच्छी मूवीज रही हैं। तो अब मुझे बस ये देखना है कि क्या ये भी मूवीज बाकियों की तरह हिट रहेगी या बॉयकॉट इससे निकल लेगा। मूवी रिलीज होने वाली है 25 जनवरी को, तो आप देखने जरूर जाना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, कमेंट में जरूर बताना कि मूवी कैसी लगी। तब तक के लिए चलता हूँ, ओके बाय। कर्नल सुनील लूथरा, जो कि रॉ एजेंसी के चीफ है, उनको खबर मिलती है कि इंडिया से दुबई जाने वाले एरोप्लेन को अब्दुल हामिद नाम की टेररिस्ट ग्रुप ने हाईजैक कर लिया है। जिसके बाद कर्नल लूथरा रॉ एजेंसी के सबसे काबिल एजेंट कबीर यानी कि ऋतिक को इस मिशन पे भेजना चाहते थे, लेकिन कबीर उन दिनों अपने किसी दूसरे मिशन के लिए टर्की गया था, इसलिए इंडियन रॉ एजेंसी उस मिशन पे अपने अंडर ट्रेनिंग एजेंट सुमित मेहता और अंजलि शर्मा को भेजने का प्लान बनाते हैं। सुमित मेहता और अंजलि शर्मा अभी हाल ही में ट्रेन हो रहे थे, और कबीर के जाने के बाद यही दो काबिल एजेंट्स थे जिन पे रॉ भरोसा कर सकती थी, इसलिए इन दोनों को चूज किया जाता है। वहीं पे सीन बदलता है अब्दुल हामिद पे, जो कि इंडिया से अपनी डिमांड रखता है और कहता है कि सुनो इंडिया, मेरी पहली डिमांड ये है कि तुम्हारे तिहाड़ जेल में बंद मेरा सबसे करीबी दोस्त ईमान अंसारी को जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए और उसे एक बैग में 100 करोड़ दिया जाए, तभी मैं तुम्हारे देश वालों को सही सलामत आजाद करूंगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो दुबई में आने से पहले तुम्हारे इंडियन पैसेंजर्स अपनी जान खो देंगे। अब अब्दुल हामिद सबसे पहले तो प्लेन के ट्रैकर को तोड़ देता है, जिससे कि इंडिया गवर्नमेंट को उसके एग्जैक्ट लोकेशन का पता नहीं चल पाए। जिसके बाद अब्दुल हामिद पायलट को एरोप्लेन को एक घने जंगल पे लैंड करने को कहता है। अब इंडियन गवर्नमेंट को ये नहीं पता था कि अब्दुल हामिद ने एरोप्लेन को किस जगह पे लैंड करवाया है, लेकिन सुमित मेहरा और अंजलि शर्मा किसी भी तरीके से उस लोकेशन का पता लगा लेते हैं और उस जंगल में पहुंच जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि दोनों कुछ करते, अब्दुल को यहाँ पे सब कुछ पहले ही पता चल जाता है और वो उन पे हमला करवा देता है। दोनों जैसे तैसे करके उनकी गोलियों से बच जाते हैं, लेकिन तभी अब्दुल का अनाउंसमेंट आता है कि इस गलती की भुगतान अब इंडियन पैसेंजर्स करेंगे, और वो उन्हें मारने ही वाला था
कि तभी सुमित और अंजलि खुद को अब्दुल के हवाले कर देते हैं। और अब जैसा कि सुमित और अंजलि दोनों ही अब्दुल के कब्जे में आ चुके हैं और अब्दुल हामिद इन्हें कभी भी मारने के मूड में था, क्योंकि ये आए थे अब्दुल हामिद के प्लान पर पानी फेरने के लिए। तभी वहाँ पे एंट्री होती है पठान की। पठान पता नहीं कहां से उस जंगल में पहुंच जाता है और अकेला ही टेररिस्ट पे हमला कर देता है और इस बंदे के सामने कोई भी टेररिस्ट टिक नहीं पाता। पठान सभी टेररिस्ट को मार देता है और अब्दुल हामिद के भी कान फाड़ देता है, जिसके बाद पठान उस प्लेन और उसके पैसेंजर्स को सही सलामत दुबई भेज देता है और फिर से गायब हो जाता है। अब सुमित और अंजलि को समझ नहीं आता कि आखिरकार ये आदमी कौन है और कहां से आया है और इसने उन्हें बचाया क्यों। तभी सीन बदलता है कर्नल लूथरा पे, जो कि अपने रॉ एजेंट्स को पठान के बारे में बताते हैं। पठान एक ऐसा जाबाज एजेंट है जो कि रॉ में भी नहीं है और ना ही वो किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। पठान तो एक ऐसा सुपर हीरो है जो कि तभी प्रकट होता है जब इंडिया को उसकी जरूरत पड़ती है, यानी कि जब भी इंडिया किसी ऐसी मुसीबत में आता है जब वो आगे कुछ नहीं सोच पाते, तब वहाँ पे हम पठान को जरूर पाते हैं। और पठान ने अपनी सूझबूझ से इंडिया को कई बार मुसीबत से निकाला है। मैं तो ये नहीं जानता कि पठान कौन है, यहाँ कहाँ से आया है, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि पठान एक सच्चा देशभक्त है और वो कभी भी इंडिया के साथ नहीं छोड़ेगा। इतना कर्नल ने कहा ही था कि तभी अंजलि कर्नल से पूछती है कि अगर किसी को पठान के बारे में कुछ पता नहीं है तो आखिरकार उसका नाम पठान कैसे रखा। इतना कहते ही हम कहानी को फ्लैशबैक में जाते हुए देखते हैं, जहां पे एक वॉर के बाद अफगानिस्तान से बचे हुए इंडियन सिविलियंस वापस अपने देश की तरफ आ रहे थे कि तभी उस बस में एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। इस धमाके की गूंज से ही समझ आ गया था कि इसमें कोई नहीं बचा होगा, पर ऐसा हुआ भी था। बस में मौजूद सभी लोग मारे जाते हैं, बस एक 13 साल का बच्चे को छोड़ के। धमाका इतना तेज था कि बच्चा अपनी याददाश्त खो देता है। उसे ना अपनी माँ का पता है और ना ही अपने पिता का, लेकिन दुनिया का कहना ये था कि ये लड़का अफगानी पठान है जो कि बस में बॉम्ब प्लांट करने ही चढ़ा था। इसलिए तो सभी मर गए, लेकिन ये बच्चा बच गया। दुनिया ने पठान को एक टेररिस्ट मान लिया था और उसे एक जेल में कैद कर दिया गया, जिसके बाद उसके ऊपर कई टॉर्चर्स का इस्तेमाल किया गया ताकि वो उन्हें बता दे कि उनका लीडर कौन है, लेकिन याददाश्त ना होने के कारण पठान के पास कोई जवाब नहीं होता। लेकिन अजीब बात ये थी कि उस बच्चे को हिंदी और सारी लैंग्वेज आती थी जो कि इंडिया में मौजूद है, जिसके कारण एक रॉ एजेंट को समझ आ जाता है कि ये लड़का इंडियन ही है, जिसके बाद वो रॉ एजेंट गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करके उस बच्चे की कस्टडी अपने पास ले लेता है। जिसके बाद कुछ ही दिनों बाद होता कुछ ऐसा है कि टेररिस्ट आके उस रॉ एजेंट पे हमला कर देते हैं, जिससे कि उसकी मौत हो जाती है और अब दुनिया को कंफर्म हो जाता है कि वो लड़का टेररिस्ट है। तब से उसका नाम पठान हो गया। उसे इंडिया में खोजा भी गया था, लेकिन उसका कभी कुछ पता नहीं चला, लेकिन बहुत सारी जगहों पे उसे देखा गया इंडिया की मदद करते हुए, जो कि शायद इसलिए था क्योंकि पठान खुद को प्रूफ करना चाहता था कि वो एक देशभक्त है इंडिया की मदद करके, जो कि शायद उसकी मदद कर पाए उसके ऊपर से टेररिस्ट का धब्बा हटाने में। लूथरा आगे बताते हैं कि पठान के बारे में हमें सबसे पहले पता तब चला था जब यूएसए में एक इंडियन मिनिस्टर की बेटी को एक टूर के दौरान किडनैप कर लिया गया था, और तब हमने अपने काबिल रॉ एजेंट कबीर खान को उसे बचाने के लिए भेजा, लेकिन फिर भी उनकी पकड़ कॉलेज के बच्चों पे थी तो वो उन्हें मारना शुरू करने वाले थे, जिसकी वजह से वहाँ पे हमें टाइगर भाई को भेजना पड़ा, लेकिन फिर भी कुछ फायदा नहीं हो रहा था, मिशन उनके हाथ से निकल रहा था कि तभी वहाँ पे पठान आके कबीर और टाइगर भाई की मदद से इंडियन बच्चों की जान बचा लेते हैं। और तब से हमें पता चला कि पठान एक इंडियन है और वो एक सच्चा देशभक्त है। अब आपको लग रहा होगा कि कहानी यहाँ पे खत्म है, लेकिन नहीं, कहानी यहाँ से एक भयंकर ट्विस्ट लेती है जो कि मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। बात करें इस मूवी की तो मूवी में वापसी कर रहे हैं शाहरुख खान करीब 3 सालों के बाद, जिसकी वजह से क्रेज और हाइप बहुत ही भयंकर बना हुआ है। लेकिन इसी में एक विवाद भी हो रखा है, क्योंकि दीपिका ने कुछ ऐसे कपड़े पहने हैं जो कि देशवासियों के फीलिंग्स को ठेस पहुंचा रही है, और अब पब्लिक वापस से बॉयकॉट करने
पे उतर आई है इस मूवी को। अब क्या इस बॉयकॉट के जमाने में पठान अपना कमाल दिखा पाएगी या फिर शाहरुख खान की वापसी हक देगी। पठान मूवी को डायरेक्ट किया गया है सिद्धार्थ आनंद ने, जो कि एक अच्छे डायरेक्टर हैं। उन्होंने बहुत सारी बड़ी मूवीज में काम किया है जो कि बॉक्स ऑफिस पे हिट रही है, जैसे बैंग बैंग, वॉर, अनजाना अनजानी, जो कि बहुत ही अच्छी मूवीज रही हैं। तो अब मुझे बस ये देखना है कि क्या ये भी मूवीज बाकियों की तरह हिट रहेगी या बॉयकॉट इससे निकल लेगा। मूवी रिलीज होने वाली है 25 जनवरी को, तो आप देखने जरूर जाना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, कमेंट में जरूर बताना कि मूवी कैसी लगी। तब तक के लिए चलता हूँ, ओके बाय। कर्नल सुनील लूथरा, जो कि रॉ एजेंसी के चीफ है, उनको खबर मिलती है कि इंडिया से दुबई जाने वाले एरोप्लेन को अब्दुल हामिद नाम की टेररिस्ट ग्रुप ने हाईजैक कर लिया है, जिसके बाद कर्नल लूथरा रॉ एजेंसी के सबसे काबिल एजेंट कबीर यानी कि ऋतिक को इस मिशन पे भेजना चाहते थे, लेकिन कबीर उन दिनों अपने किसी दूसरे मिशन के लिए टर्की गया था। इसलिए इंडियन रॉ एजेंसी उस मिशन पे अपने अंडर ट्रेनिंग एजेंट सुमित मेहता और अंजलि शर्मा को भेजने का प्लान बनाते हैं। सुमित मेहता और अंजलि शर्मा अभी हाल ही में ट्रेन हो रहे थे, और कबीर के जाने के बाद यही दो काबिल एजेंट्स थे जिन पे रॉ भरोसा कर सकती थी, इसलिए इन दोनों को चूज किया जाता है। वहीं पे सीन बदलता है अब्दुल हामिद पे, जो कि इंडिया से अपनी डिमांड रखता है और कहता है कि सुनो इंडिया, मेरी पहली डिमांड ये है कि तुम्हारे तिहाड़ जेल में बंद मेरा सबसे करीबी दोस्त ईमान अंसारी को जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए और उसे एक बैग में 100 करोड़ दिया जाए, तभी मैं तुम्हारे देश वालों को सही सलामत आजाद करूंगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो दुबई में आने से पहले तुम्हारे इंडियन पैसेंजर्स अपनी जान खो देंगे। अब अब्दुल हामिद सबसे पहले तो प्लेन के ट्रैकर को तोड़ देता है, जिससे कि इंडिया गवर्नमेंट को उसके एग्जैक्ट लोकेशन का पता नहीं चल पाए, जिसके बाद अब्दुल हामिद पायलट को एरोप्लेन को एक घने जंगल पे लैंड करने को कहता है। अब इंडियन गवर्नमेंट को ये नहीं पता था कि अब्दुल हामिद ने एरोप्लेन को किस जगह पे लैंड करवाया है, लेकिन सुमित मेहरा और अंजलि शर्मा किसी भी तरीके से उस लोकेशन का पता लगा लेते हैं और उस जंगल में पहुंच जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि दोनों कुछ करते, अब्दुल को यहाँ पे सब कुछ पहले ही पता चल जाता है और वो उन पे हमला करवा देता है। दोनों जैसे तैसे करके उनकी गोलियों से बच जाते हैं, लेकिन तभी अब्दुल का अनाउंसमेंट आता है कि इस गलती की भुगतान अब इंडियन पैसेंजर्स करेंगे, और वो उन्हें मारने ही वाला था कि तभी सुमित और अंजलि खुद को अब्दुल के हवाले कर देते हैं। और अब जैसा कि सुमित और अंजलि दोनों ही अब्दुल के कब्जे में आ चुके हैं, और अब्दुल हामिद इन्हें कभी भी मारने के मूड में था, क्योंकि ये आए थे अब्दुल हामिद के प्लान पर पानी फेरने के लिए। तभी वहाँ पे एंट्री होती है पठान की। पठान पता नहीं कहां से उस जंगल में पहुंच जाता है और अकेला ही टेररिस्ट पे हमला कर देता है, और इस बंदे के सामने कोई भी टेररिस्ट टिक नहीं पाता। पठान सभी टेररिस्ट को मार देता है और अब्दुल हामिद की भी कान फाड़ देता है, जिसके बाद पठान उस प्लेन और उसके पैसेंजर्स को सही सलामत दुबई भेज देता है और फिर से गायब हो जाता है। अब सुमित और अंजलि को समझ नहीं आता कि आखिरकार ये आदमी कौन है और कहां से आया है और इसने उन्हें बचाया क्यों। तभी सीन बदलता है कर्नल लूथरा पे, जो कि अपने रॉ एजेंट्स को पठान के बारे में बताते हैं। पठान एक ऐसा जाबाज एजेंट है जो कि रॉ में भी नहीं है और ना ही वो किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। पठान तो एक ऐसा सुपर हीरो है जो कि तभी प्रकट होता है जब इंडिया को उसकी जरूरत पड़ती है, यानी कि जब भी इंडिया किसी ऐसी मुसीबत में आता है जब वो आगे कुछ नहीं सोच पाते, तब वहाँ पे हम पठान को जरूर पाते हैं। और पठान ने अपनी सूझबूझ से इंडिया को कई बार मुसीबत से निकाला है। मैं तो ये नहीं जानता कि पठान कौन है, यहाँ कहाँ से आया है, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि पठान एक सच्चा देशभक्त है और वो कभी भी इंडिया के साथ नहीं छोड़ेगा। इतना कर्नल ने कहा ही था कि तभी अंजलि कर्नल से पूछती है कि अगर किसी को पठान के बारे में कुछ पता नहीं है तो आखिरकार उसका नाम पठान कैसे रखा। इतना कहते ही हम कहानी को फ्लैशबैक में जाते हुए देखते हैं, जहां पे एक वॉर के बाद अफगानिस्तान से बचे हुए इंडियन सिविलियंस वापस अपने देश की तरफ आ रहे थे कि तभी उस बस में एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। इस धमाके की गूंज से ही समझ आ गया था कि इसमें कोई नहीं बचा होगा, पर ऐसा हुआ भी था। बस में मौजूद सभी लोग मारे जाते हैं,
बस एक 13 साल का बच्चे को छोड़ के। धमाका इतना तेज था कि बच्चा अपनी याददाश्त खो देता है। उसे ना अपनी माँ का पता है और ना ही अपने पिता का, लेकिन दुनिया का कहना ये था कि ये लड़का अफगानी पठान है जो कि बस में बॉम्ब प्लान करने ही चढ़ा था। इसलिए तो सभी मर गए, लेकिन ये बच्चा बच गया। दुनिया ने पठान को एक टेररिस्ट मान लिया था और उसे एक जेल में कैद कर दिया गया, जिसके बाद उसके ऊपर कई टॉर्चर्स का इस्तेमाल किया गया ताकि वो उन्हें बता दे कि उनका लीडर कौन है। लेकिन याददाश्त ना होने के कारण पठान के पास कोई जवाब नहीं होता। लेकिन अजीब बात ये थी कि उस बच्चे को हिंदी और सारी लैंग्वेज आती थी जो कि इंडिया में मौजूद है, जिसके कारण एक रॉ एजेंट को समझ आ जाता है कि ये लड़का इंडियन ही है। जिसके बाद वो रॉ एजेंट गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करके उस बच्चे की कस्टडी अपने पास ले लेता है। जिसके बाद कुछ ही दिनों बाद होता कुछ ऐसा है कि टेररिस्ट आके उस रॉ एजेंट पे हमला कर देते हैं, जिससे कि उसकी मौत हो जाती है और अब दुनिया को कंफर्म हो जाता है कि वो लड़का टेररिस्ट है। तब से उसका नाम पठान हो गया। उसे इंडिया में खोजा भी गया था, लेकिन उसका कभी कुछ पता नहीं चला। लेकिन बहुत सारी जगहों पे उसे देखा गया इंडिया की मदद करते हुए, जो कि शायद इसलिए था क्योंकि पठान खुद को प्रूफ करना चाहता था कि वो एक देशभक्त है इंडिया की मदद करके, जो कि शायद उसकी मदद कर पाए उसके ऊपर से टेररिस्ट का धब्बा हटाने में। लूथर आगे बताते हैं कि पठान के बारे में हमें सबसे पहले पता तब चला था जब यूएसए में एक इंडियन मिनिस्टर की बेटी को एक टूर के दौरान किडनैप कर लिया गया था, और तब हमने अपने काबिल रो एजेंट कबीर खान को उसे बचाने के लिए भेजा। लेकिन फिर भी उनकी पकड़ कॉलेज के बच्चों पे थी, तो वो उन्हें मारना शुरू करने वाले थे, जिसकी वजह से वहाँ पे हमें टाइगर भाई को भेजना पड़ा। लेकिन फिर भी कुछ फायदा नहीं हो रहा था, मिशन उनके हाथ से निकल रहा था कि तभी वहाँ पे पठान आके कबीर और टाइगर भाई की मदद से इंडियन बच्चों की जान बचा लेते हैं। और तब से हमें पता चला कि पठान एक इंडियन है और वो एक सच्चा देशभक्त है। अब आपको लग रहा होगा कि कहानी यहाँ पे खत्म है, लेकिन नहीं, कहानी यहाँ से एक भयंकर ट्विस्ट लेती है जो कि मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। बात करें इस मूवी की, तो मूवी में वापसी कर रहे हैं शाहरुख खान करीब 3 सालों के बाद, जिसकी वजह से क्रेज और हाइप बहुत ही भयंकर बना हुआ है। लेकिन इसी में एक विवाद भी हो रखा है, क्योंकि दीपिका ने कुछ ऐसे कपड़े पहने हैं जो कि देशवासियों के फीलिंग्स को ठेस पहुंचा रही है, और अब पब्लिक वापस से बॉयकॉट करने पे उतर आई है इस मूवी को। अब क्या इस बॉयकॉट के जमाने में पठान अपना कमाल दिखा पाएगी, या फिर शाहरुख खान की वापसी हक देगी? पठान मूवी को डायरेक्ट किया गया है सिद्धार्थ आनंद ने, जो कि एक अच्छे डायरेक्टर हैं। उन्होंने बहुत सारी बड़ी मूवीज में काम किया है जो कि बॉक्स ऑफिस पे हिट रही है, जैसे बैंग बैंग, वॉर, अनजाना अनजानी, जो कि बहुत ही अच्छी मूवीज रही हैं। तो अब मुझे बस ये देखना है कि क्या ये भी मूवीज बाकियों की तरह हिट रहेगी या बॉयकॉट इसे निगल लेगा। मूवी रिलीज होने वाली है 25 जनवरी को, तो आप देखने जरूर जाना। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, कमेंट में जरूर बताना कि मूवी कैसी लगी। तब तक के लिए चलता हूँ, ओके बाय। कर्नल सुनील लूथरा, जो कि रॉ एजेंसी के चीफ है, उनको खबर मिलती है कि इंडिया से दुबई जाने वाले एरोप्लेन को अब्दुल हामिद नाम की टेररिस्ट ग्रुप ने हाईजैक कर लिया है। जिसके बाद कर्नल लूथरा रॉ एजेंसी के सबसे काबिल एजेंट कबीर यानी कि ऋतिक को इस मिशन पे भेजना चाहते थे, लेकिन कबीर उन दिनों अपने किसी दूसरे मिशन के लिए टर्की गया था। इसलिए इंडियन रॉ एजेंसी उस मिशन पे अपने अंडर ट्रेनिंग एजेंट सुमित मेहता और अंजलि शर्मा को भेजने का प्लान बनाते हैं। सुमित मेहता और अंजलि शर्मा अभी हाल ही में ट्रेन हो रहे थे, और कबीर के जाने के बाद यही दो काबिल एजेंट्स थे जिन पे रॉ भरोसा कर सकती थी, इसलिए इन दोनों को चूज किया जाता है। वहीं पे सीन बदलता है अब्दुल हामिद पे, जो कि इंडिया से अपनी डिमांड रखता है और कहता है कि सुनो इंडिया, मेरी पहली डिमांड ये है कि तुम्हारे तिहाड़ जेल में बंद मेरा सबसे करीबी दोस्त ईमान अंसारी को जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए और उसे एक बैग में 100 करोड़ दिया जाए, तभी मैं तुम्हारे देश वालों को सही सलामत आजाद करूंगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो दुबई में आने से पहले तुम्हारे इंडियन पैसेंजर्स अपनी जान खो देंगे। अब अब्दुल हामिद सबसे पहले तो प्लेन के ट्रैकर को तोड़ देता है, जिससे कि इंडिया गवर्नमेंट को उसके एग्जैक्ट लोकेशन का पता नहीं चल पाए। जिसके बाद अब्दुल हामिद पायलट को एरोप्लेन को एक घने जंगल पे लैंड करने को कहता है। अब इंडियन गवर्नमेंट को ये नहीं पता था कि अब्दुल हामिद ने एरोप्लेन को किस जगह पे लैंड करवाया है, लेकिन सुमित मेहरा
और अंजलि शर्मा किसी भी तरीके से उस लोकेशन का पता लगा लेते हैं और उस जंगल में पहुंच जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि दोनों कुछ करते, अब्दुल को यहाँ पे सब कुछ पहले ही पता चल जाता है और वो उन पे हमला करवा देता है। दोनों जैसे तैसे करके उनकी गोलियों से बच जाते हैं, लेकिन तभी अब्दुल का अनाउंसमेंट आता है कि इस गलती की भुगतान अब इंडियन पैसेंजर्स करेंगे और वो उन्हें मारने ही वाला था कि तभी सुमित और अंजलि खुद को अब्दुल के हवाले कर देते हैं। और अब जैसा कि सुमित और अंजलि दोनों ही अब्दुल के कब्जे में आ चुके हैं और अब्दुल हामिद इन्हें कभी भी मारने के मूड में था क्योंकि ये आए थे अब्दुल हामिद के प्लान पर पानी फेरने के लिए। तभी वहाँ पे एंट्री होती है पठान की। पठान पता नहीं कहाँ से उस जंगल में पहुँच जाता है और अकेला ही टेररिस्ट पे हमला कर देता है और इस बंदे के सामने कोई भी टेररिस्ट टिक नहीं पाता। पठान सभी टेररिस्ट को मार देता है और अब्दुल हामिद की भी गांड फाड़ देता है, जिसके बाद पठान उस प्लेन और उसके पैसेंजर्स को सही सलामत दुबई भेज देता है और फिर से गायब हो जाता है। अब सुमित और अंजलि को समझ नहीं आता कि आखिरकार ये आदमी कौन है और कहाँ से आया है और इसने उन्हें बचाया क्यों। तभी सीन बदलता है कर्नल लूथरा पे, जो कि अपने रॉ एजेंट्स को पठान के बारे में बताते हैं। पठान एक ऐसा जाबाज एजेंट है जो कि रॉ में भी नहीं है और ना ही वो किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। पठान तो एक ऐसा सुपर हीरो है जो कि तभी प्रकट होता है जब इंडिया को उसकी जरूरत पड़ती है, यानी कि जब भी इंडिया किसी ऐसी मुसीबत में आता है जब वो आगे कुछ नहीं सोच पाते, तब वहाँ पे हम पठान को जरूर पाते हैं। और पठान ने अपनी सूझबूझ से इंडिया को कई बार मुसीबत से निकाला है। मैं तो ये नहीं जानता कि पठान कौन है, यहाँ कहाँ से आया है, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि पठान एक सच्चा देशभक्त है और वो कभी भी इंडिया के साथ नहीं छोड़ेगा। इतना कर्नल ने कहा ही था कि तभी अंजलि कर्नल से पूछती है कि अगर किसी को पठान के बारे में कुछ पता नहीं है तो आखिरकार उसका नाम पठान कैसे रखा। इतना कहते ही हम कहानी को फ्लैशबैक में जाते हुए देखते हैं, जहां पे एक वॉर के बाद अफगानिस्तान से बचे हुए इंडियन सिविलियंस वापस अपने देश की तरफ आ रहे थे कि तभी उस बस में एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। इस धमाके की गूंज से ही समझ आ गया था कि इसमें कोई नहीं बचा होगा, पर ऐसा हुआ भी था। बस में मौजूद सभी लोग मारे जाते हैं, बस एक 13 साल का बच्चे को छोड़ के। धमाका इतना तेज था कि बच्चा अपनी याददाश्त खो देता है। उसे ना अपनी माँ का पता है और ना ही अपने पिता का, लेकिन दुनिया का कहना ये था कि ये लड़का अफगानी पठान है जो कि बस में बॉम्ब प्लान करने ही चढ़ा था। इसलिए तो सभी मर गए, लेकिन ये बच्चा बच गया। दुनिया ने पठान को एक टेररिस्ट मान लिया था और उसे एक जेल में कैद कर दिया गया, जिसके बाद उसके ऊपर कई टॉर्चर्स का इस्तेमाल किया गया ताकि वो उन्हें बता दे कि उनका लीडर कौन है, लेकिन याददाश्त ना होने के कारण पठान के पास कोई जवाब नहीं होता। लेकिन अजीब बात ये थी कि उस बच्चे को हिंदी और सारी लैंग्वेज आती थी जो कि इंडिया में मौजूद है, जिसके कारण एक रॉ एजेंट को समझ आ जाता है कि ये लड़का इंडियन ही है, जिसके बाद वो रॉ एजेंट गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करके इस बच्चे की कस्टडी अपने पास ले लेता है। जिसके बाद कुछ ही दिनों बाद होता कुछ ऐसा है कि टेररिस्ट आके उस रॉ एजेंट पे हमला कर देते हैं, जिससे कि उसकी मौत हो जाती है और अब दुनिया को कंफर्म हो जाता है कि वो लड़का टेररिस्ट है। तब से उसका नाम पठान हो गया। उसे इंडिया में खोजा भी गया था, लेकिन उसका कभी कुछ पता नहीं चला, लेकिन बहुत सारी जगहों पे उसे देखा गया इंडिया की मदद करते हुए, जो कि शायद इसलिए था क्योंकि पठान खुद को प्रूफ करना चाहता था कि वो एक देशभक्त है इंडिया की मदद करके, जो कि शायद उसकी मदद कर पाए उसके ऊपर से टेररिस्ट का धब्बा हटाने में। लूथरा आगे बताते हैं कि पठान के बारे में हमें सबसे पहले पता तब चला था जब यूएसए में एक इंडियन मिनिस्टर की बेटी को एक टूर के दौरान किडनैप कर लिया गया था, और तब हमने अपने काबिल रॉ एजेंट कबीर खान को उसे बचाने के लिए भेजा, लेकिन फिर भी उनकी पकड़ कॉलेज के बच्चों पे थी तो वो उन्हें मारना शुरू करने वाले थे, जिसकी वजह से वहाँ पे हमें टाइगर भाई को भेजना पड़ा, लेकिन फिर भी कुछ फायदा नहीं हो रहा था, मिशन उनके हाथ से निकल रहा था कि तभी वहाँ पे पठान आके कबीर और टाइगर भाई की मदद से इंडियन बच्चों की जान बचा लेते हैं। और तब से हमें पता चला कि पठान एक इंडियन है और वो एक सच्चा देशभक्त है। अब आपको लग रहा होगा कि कहानी यहाँ पे खत्म है, लेकिन नहीं, कहानी यहाँ से एक भयंकर ट्विस्ट लेती है जो कि मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। बात करें इस मूवी की तो मूवी में वापसी कर रहे हैं शाहरुख खान करीब 3 सालों के बाद, जिसकी वजह से
क्रेज और हाइप बहुत ही भयंकर बना हुआ है। लेकिन इसी में एक विवाद भी हो रखा है, क्योंकि दीपिका ने कुछ ऐसे कपड़े पहने हैं जो कि देशवासियों के फीलिंग्स को ठेस पहुंचा रही है और अब पब्लिक वापस से बॉयकॉट करने पे उतर आई है इस मूवी को। अब क्या इस बॉयकॉट के जमाने में पठान अपना कमाल दिखा पाएगी या फिर शाहरुख खान की वापसी हक देगी। पठान मूवी को डायरेक्ट किया गया है सिद्धार्थ आनंद ने, जो कि एक अच्छे डायरेक्टर हैं। उन्होंने बहुत सारी बड़ी मूवीज में काम किया है जो कि बॉक्स ऑफिस पे हिट रही है, जैसे बैंग बैंग, वॉर, अनजाना अनजानी, जो कि बहुत ही अच्छी मूवीज रही हैं। तो अब मुझे बस ये देखना है कि क्या ये भी मूवीज बाकियों की तरह हिट रहेगी या बॉयकॉट इसे निगल लेगा। मूवी रिलीज होने वाली है 25 जनवरी को, तो आप देखने जरूर जाना। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, कमेंट में जरूर बताना कि मूवी कैसी लगी। तब तक के लिए चलता हूँ, ओके बाय। कर्नल सुनील लूथरा, जो कि रॉ एजेंसी के चीफ है, उनको खबर मिलती है कि इंडिया से दुबई जाने वाले एरोप्लेन को अब्दुल हामिद नाम की टेररिस्ट ग्रुप ने हाईजैक कर लिया है, जिसके बाद कर्नल लूथरा रॉ एजेंसी के सबसे काबिल एजेंट कबीर यानी कि ऋतिक को इस मिशन पे भेजना चाहते थे। लेकिन कबीर उन दिनों अपने किसी दूसरे मिशन के लिए टर्की गया था, इसलिए इंडियन रॉ एजेंसी उस मिशन पे अपने अंडर ट्रेनिंग एजेंट सुमित मेहता और अंजलि शर्मा को भेजने का प्लान बनाते हैं। सुमित मेहता और अंजलि शर्मा अभी हाल ही में ट्रेन हो रहे थे और कबीर के जाने के बाद यही दो काबिल एजेंट्स थे जिन पे रॉ हमारे तिहाड़ जेल में बंद मेरा सबसे करीबी दोस्त ईमान अंसारी को जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए और उसे एक बैग में 100 करोड़ दिया जाए, तभी मैं तुम्हारे देश वालों को सही सलामत आजाद करूंगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो दुबई में आने से पहले तुम्हारे इंडियन पैसेंजर्स अपनी जान खो देंगे। अब अब्दुल हामिद सबसे पहले तो प्लेन के ट्रैकर को तोड़ देता है, जिससे कि इंडिया गवर्नमेंट को उसके एग्जैक्ट लोकेशन का पता नहीं चल पाए, जिसके बाद अब्दुल हामिद पायलट को एरोप्लेन को एक घने जंगल में लैंड करने को कहता है। अब इंडियन गवर्नमेंट को ये नहीं पता था कि अब्दुल हामिद ने एरोप्लेन को किस जगह पे लैंड करवाया है, लेकिन सुमित मेहरा और अंजलि शर्मा किसी भी तरीके से उस लोकेशन का पता लगा लेते हैं और उस जंगल में पहुंच जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि दोनों कुछ करते, अब्दुल को यहाँ पे सब कुछ पहले ही पता चल जाता है और वो उनपे हमला करवा देता है। दोनों जैसे तैसे करके उनकी गोलियों से बच जाते हैं, लेकिन तभी अब्दुल का अनाउंसमेंट आता है कि इस गलती की भुगतान अब इंडियन पैसेंजर्स करेंगे, और वो उन्हें मारने ही वाला था कि तभी सुमित और अंजलि खुद को अब्दुल के हवाले कर देते हैं। और अब जैसा कि सुमित और अंजलि दोनों ही अब्दुल के कब्जे में आ चुके हैं और अब्दुल हामिद इन्हें कभी भी मारने के मूड में था, क्योंकि ये आए थे अब्दुल हामिद के प्लान पर पानी फेरने के लिए, तभी वहाँ पे एंट्री होती है पठान की। पठान पता नहीं कहां से उस जंगल में पहुंच जाता है और अकेला ही टेररिस्ट पे हमला कर देता है, और इस बंदे के सामने कोई भी टेररिस्ट टिक नहीं पाता। पठान सभी टेररिस्ट को मार देता है और अब्दुल हामिद के भी कान फाड़ देता है, जिसके बाद पठान उस प्लेन और उसके पैसेंजर्स को सही सलामत दुबई भेज देता है और फिर से गायब हो जाता है। अब सुमित और अंजलि को समझ नहीं आता कि आखिरकार ये आदमी कौन है और कहां से आया है और इसने उन्हें बचाया क्यों। तभी सीन बदलता है कर्नल लूथरा पे, जो कि अपने रॉ एजेंट्स को पठान के बारे में बताते हैं। पठान एक ऐसा जाबाज एजेंट है जो कि रॉ में भी नहीं है और ना ही वो किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। पठान तो एक ऐसा सुपर हीरो है जो कि तभी प्रकट होता है जब इंडिया को उसकी जरूरत पड़ती है, यानी कि जब भी इंडिया किसी ऐसी मुसीबत में आता है जब वो आगे कुछ नहीं सोच पाते, तब वहाँ पे हम पठान को जरूर पाते हैं। और पठान ने अपनी सूझबूझ से इंडिया को कई बार मुसीबत से निकाला है। मैं तो ये नहीं जानता कि पठान कौन है, यहाँ कहाँ से आया है, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि पठान एक सच्चा देशभक्त है और वो कभी भी इंडिया के साथ नहीं छोड़ेगा। इतना कर्नल ने कहा ही था कि तभी अंजलि कर्नल से पूछती है कि अगर किसी को पठान के बारे में कुछ पता नहीं है तो आखिरकार उसका नाम पठान कैसे रखा। इतना कहते ही हम कहानी को फ्लैशबैक में जाते हुए देखते हैं, जहां पे एक वॉर के बाद अफगानिस्तान से बचे हुए इंडियन सिविलियंस वापस अपने देश की तरफ आ रहे थे कि तभी उस बस में एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। इस धमाके की गूंज से ही समझ आ गया था कि इसमें कोई नहीं बचा होगा, पर ऐसा हुआ भी था। बस में मौजूद सभी लोग मारे जाते हैं
बस एक 13 साल का बच्चे को छोड़ के। धमाका इतना तेज था कि बच्चा अपनी याददाश्त खो देता है। उसे न अपनी माँ का पता है और न ही अपने पिता का। लेकिन दुनिया का कहना ये था कि ये लड़का अफगानी पठान है जो कि बस में बॉम्ब प्लान करने ही चढ़ा था। इसलिए तो सभी मर गए लेकिन ये बच्चा बच गया। दुनिया ने पठान को एक टेररिस्ट मान लिया था और उसे एक जेल में कैद कर दिया गया, जिसके बाद उसके ऊपर कई टॉर्चर्स का इस्तेमाल किया गया ताकि वो उन्हें बता दे कि उनका लीडर कौन है। लेकिन याददाश्त ना होने के कारण पठान के पास कोई जवाब नहीं होता। लेकिन अजीब बात ये थी कि उस बच्चे को हिंदी और सारी लैंग्वेज आती थी जो कि इंडिया में मौजूद है, जिसके कारण एक रॉ एजेंट को समझ आ जाता है कि ये लड़का इंडियन ही है। जिसके बाद वो रॉ एजेंट गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करके इस बच्चे की कस्टडी अपने पास ले लेता है। जिसके बाद कुछ ही दिनों बाद होता कुछ ऐसा है कि टेररिस्ट आके उस रॉ एजेंट पे हमला कर देते हैं, जिससे कि उसकी मौत हो जाती है। और अब दुनिया को कंफर्म हो जाता है कि वो लड़का टेररिस्ट है। तब से उसका नाम पठान हो गया। उसे इंडिया में खोजा भी गया था लेकिन उसका कभी कुछ पता नहीं चला। लेकिन बहुत सारी जगहों पे उसे देखा गया इंडिया की मदद करते हुए, जो कि शायद इसलिए था क्योंकि पठान खुद को प्रूफ करना चाहता था कि वो एक देशभक्त है इंडिया की मदद करके, जो कि शायद उसकी मदद कर पाए उसके ऊपर से टेररिस्ट का धब्बा हटाने में। लूथरा आगे बताते हैं कि पठान के बारे में हमें सबसे पहले पता तब चला था जब यूएसए में एक इंडियन मिनिस्टर की बेटी को एक टूर के दौरान किडनैप कर लिया गया था। और तब हमने अपने काबिल रॉ एजेंट कबीर खान को उसे बचाने के लिए भेजा, लेकिन फिर भी उनकी पकड़ कॉलेज के बच्चों पे थी तो वो उन्हें मारना शुरू करने वाले थे, जिसकी वजह से वहाँ पे हमें टाइगर भाई को भेजना पड़ा। लेकिन फिर भी कुछ फायदा नहीं हो रहा था, मिशन उनके हाथ से निकल रहा था कि तभी वहाँ पे पठान आके कबीर और टाइगर भाई की मदद से इंडियन बच्चों की जान बचा लेते हैं। और तब से हमें पता चला कि पठान एक इंडियन है और वो एक सच्चा देशभक्त है। अब आपको लग रहा होगा कि कहानी यहाँ पे खत्म है, लेकिन नहीं, कहानी यहाँ से एक भयंकर ट्विस्ट लेती है जो कि मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। बात करें इस मूवी की तो मूवी में वापसी कर रहे हैं शाहरुख खान करीब 3 सालों के बाद, जिसकी वजह से क्रेज और हाइप बहुत ही भयंकर बना हुआ है। लेकिन इसी में एक विवाद भी हो रखा है क्योंकि दीपिका ने कुछ ऐसे कपड़े पहने हैं जो कि देशवासियों के फीलिंग्स को ठेस पहुंचा रही है और अब पब्लिक वापस से बॉयकॉट करने पे उतर आई है इस मूवी को। अब क्या इस बॉयकॉट के जमाने में पठान अपना कमाल दिखा पाएगी या फिर शाहरुख खान की वापसी हक देगी। पठान मूवी को डायरेक्ट किया गया है सिद्धार्थ आनंद ने, जो कि एक अच्छे डायरेक्टर हैं। उन्होंने बहुत सारी बड़ी मूवीज में काम किया है जो कि बॉक्स ऑफिस पे हिट रही है, जैसे बैंग बैंग, वॉर, अनजाना अनजानी, जो कि बहुत ही अच्छी मूवीज रही हैं। तो अब मुझे बस ये देखना है कि क्या ये भी मूवीज बाकियों की तरह हिट रहेगी या बॉयकॉट इसे निगल लेगा। मूवी रिलीज होने वाली है 25 जनवरी को, तो आप देखने जरूर जाना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, कमेंट में जरूर बताना कि मूवी कैसी लगी। तब तक के लिए चलता हूँ, ओके बाय। कर्नल सुनील लूथरा जो कि रॉ एजेंसी के चीफ है, उनको खबर मिलती है कि इंडिया से दुबई जाने वाले एरोप्लेन को अब्दुल हामिद नाम की टेररिस्ट ग्रुप ने हाईजैक कर लिया है। जिसके बाद कर्नल लूथरा रॉ एजेंसी के सबसे काबिल एजेंट कबीर यानी कि ऋतिक को इस मिशन पे भेजना चाहते थे, लेकिन कबीर उन दिनों अपने किसी दूसरे मिशन के लिए टर्की गया था। इसलिए इंडियन रॉ एजेंसी उस मिशन पे अपने अंडर ट्रेनिंग एजेंट सुमित मेहता और अंजलि शर्मा को भेजने का प्लान बनाते हैं। सुमित मेहता और अंजलि शर्मा अभी हाल ही में ट्रेन हो रहे थे और कबीर के जाने के बाद यही दो काबिल एजेंट्स थे जिन पे रॉ भरोसा कर सकती थी, इसलिए इन दोनों को चूज किया जाता है। वहीं पे सीन बदलता है अब्दुल हामिद पे, जो कि इंडिया से अपनी डिमांड रखता है और कहता है कि सुनो इंडिया, मेरी पहली डिमांड ये है कि तुम्हारे तिहाड़ जेल में बंद मेरा सबसे करीबी दोस्त ईमान अंसारी को जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए और उसे एक बैग में 100 करोड़ दिया जाए, तभी मैं तुम्हारे देश वालों को सही सलामत आजाद करूंगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो दुबई में आने से पहले तुम्हारे इंडियन पैसेंजर्स अपनी जान खो देंगे। अब अब्दुल हामिद सबसे पहले तो प्लेन के ट्रैकर को तोड़ देता है, जिससे कि इंडिया गवर्नमेंट को उसके एग्जैक्ट लोकेशन का पता नहीं चल पाए। जिसके बाद अब्दुल हामिद पायलट को एरोप्लेन को एक घने जंगल में लैंड करने को कहता है। अब इंडियन गवर्नमेंट को ये नहीं पता था कि अब्दुल हामिद ने एरोप्लेन को किस जगह पे लैंड करवाया है, लेकिन सुमित मेहरा और अंजलि शर्मा किसी भी तरीके से उस लोकेशन का पता लगा लेते हैं और उस जंगल में पहुंच जाते हैं।
लेकिन इससे पहले कि दोनों कुछ करते, अब्दुल को यहाँ पे सब कुछ पहले ही पता चल जाता है और वो उन पे हमला करवा देता है। दोनों जैसे तैसे करके उनकी गोलियों से बच जाते हैं, लेकिन तभी अब्दुल का अनाउंसमेंट आता है कि इस गलती की भुगतान अब इंडियन पैसेंजर्स करेंगे और वो उन्हें मारने ही वाला था कि तभी सुमित और अंजलि खुद को अब्दुल के हवाले कर देते हैं। और अब जैसा कि सुमित और अंजलि दोनों ही अब्दुल के कब्जे में आ चुके हैं और अब्दुल हामिद इन्हें कभी भी मारने के मूड में था, क्योंकि ये आए थे अब्दुल हामिद के प्लान पर पानी फेरने के लिए। तभी वहाँ पे एंट्री होती है पठान की। पठान पता नहीं कहां से उस जंगल में पहुंच जाता है और अकेला ही टेररिस्ट पे हमला कर देता है और इस बंदे के सामने कोई भी टेररिस्ट टिक नहीं पाता। पठान सभी टेररिस्ट को मार देता है और अब्दुल हामिद की भी कान फाड़ देता है, जिसके बाद पठान उस प्लेन और उसके पैसेंजर्स को सही सलामत दुबई भेज देता है और फिर से गायब हो जाता है। अब सुमित और अंजलि को समझ नहीं आता कि आखिरकार ये आदमी कौन है और कहां से आया है और इसने उन्हें बचाया क्यों। तभी सीन बदलता है कर्नल लूथरा पे, जो कि अपने रॉ एजेंट्स को पठान के बारे में बताते हैं। पठान एक ऐसा जाबाज एजेंट है जो कि रॉ में भी नहीं है और ना ही वो किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। पठान तो एक ऐसा सुपर हीरो है जो कि तभी प्रकट होता है जब इंडिया को उसकी जरूरत पड़ती है, यानी कि जब भी इंडिया किसी ऐसी मुसीबत में आता है जब वो आगे कुछ नहीं सोच पाते, तब वहाँ पे हम पठान को जरूर पाते हैं। और पठान ने अपनी सूझबूझ से इंडिया को कई बार मुसीबत से निकाला है। मैं तो ये नहीं जानता कि पठान कौन है, यहाँ कहाँ से आया है, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि पठान एक सच्चा देशभक्त है और वो कभी भी इंडिया के साथ नहीं छोड़ेगा। इतना कर्नल ने कहा ही था कि तभी अंजलि कर्नल से पूछती है कि अगर किसी को पठान के बारे में कुछ पता नहीं है तो आखिरकार उसका नाम पठान कैसे रखा। इतना कहते ही हम कहानी को फ्लैशबैक में जाते हुए देखते हैं, जहां पे एक वॉर के बाद अफगानिस्तान से बचे हुए इंडियन सिविलियंस वापस अपने देश की तरफ आ रहे थे कि तभी उस बस में एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। इस धमाके की गूंज से ही समझ आ गया था कि इसमें कोई नहीं बचा होगा, पर ऐसा हुआ भी था। बस में मौजूद सभी लोग मारे जाते हैं, बस एक 13 साल का बच्चे को छोड़ के। धमाका इतना तेज था कि बच्चा अपनी याददाश्त खो देता है। उसे ना अपनी माँ का पता है और ना ही अपने पिता का, लेकिन दुनिया का कहना ये था कि ये लड़का अफगानी पठान है जो कि बस में बॉम्ब प्लान करने ही चढ़ा था। इसलिए तो सभी मर गए, लेकिन ये बच्चा बच गया। दुनिया ने पठान को एक टेररिस्ट मान लिया था और उसे एक जेल में कैद कर दिया गया, जिसके बाद उसके ऊपर कई टॉर्चर्स का इस्तेमाल किया गया ताकि वो उन्हें बता दे कि उनका लीडर कौन है, लेकिन याददाश्त ना होने के कारण पठान के पास कोई जवाब नहीं होता। लेकिन अजीब बात ये थी कि उस बच्चे को हिंदी और सारी लैंग्वेज आती थी जो कि इंडिया में मौजूद है, जिसके कारण एक रॉ एजेंट को समझ आ जाता है कि ये लड़का इंडियन ही है, जिसके बाद वो रॉ एजेंट गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करके उस बच्चे की कस्टडी अपने पास ले लेता है। जिसके बाद कुछ ही दिनों बाद होता कुछ ऐसा है कि टेररिस्ट आके उस रॉ एजेंट पे हमला कर देते हैं, जिससे कि उसकी मौत हो जाती है और अब दुनिया को कंफर्म हो जाता है कि वो लड़का टेररिस्ट है। तब से उसका नाम पठान हो गया। उसे इंडिया में खोजा भी गया था, लेकिन उसका कभी कुछ पता नहीं चला, लेकिन बहुत सारी जगहों पे उसे देखा गया इंडिया की मदद करते हुए, जो कि शायद इसलिए था क्योंकि पठान खुद को प्रूफ करना चाहता था कि वो एक देशभक्त है इंडिया की मदद करके, जो कि शायद उसकी मदद कर पाए उसके ऊपर से टेररिस्ट का धब्बा हटाने में। लूथरा आगे बताते हैं कि पठान के बारे में हमें सबसे पहले पता तब चला था जब यूएसए में एक इंडियन मिनिस्टर की बेटी को एक टूर के दौरान किडनैप कर लिया गया था, और तब हमने अपने काबिल रॉ एजेंट कबीर खान को उसे बचाने के लिए भेजा, लेकिन फिर भी उनकी पकड़ कॉलेज के बच्चों पे थी तो वो उन्हें मारना शुरू करने वाले थे, जिसकी वजह से वहाँ पे हमें टाइगर भाई को भेजना पड़ा, लेकिन फिर भी कुछ फायदा नहीं हो रहा था, मिशन उनके हाथ से निकल रहा था कि तभी वहाँ पे पठान आके कबीर और टाइगर भाई की मदद से इंडियन बच्चों की जान बचा लेते हैं, और तब से हमें पता चला कि पठान एक इंडियन है और वो एक सच्चा देशभक्त है। अब आपको लग रहा होगा कि कहानी यहाँ पे खत्म है, लेकिन नहीं, कहानी यहाँ से एक भयंकर ट्विस्ट लेती है जो कि मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। बात करें इस मूवी की, तो मूवी में वापसी कर रहे हैं शाहरुख खान करीब 3 सालों के बाद, जिसकी वजह से
क्रेज और हाइप बहुत ही भयंकर बना हुआ है। लेकिन इसी में एक विवाद भी हो रखा है, क्योंकि दीपिका ने कुछ ऐसे कपड़े पहने हैं जो कि देशवासियों के फीलिंग्स को ठेस पहुंचा रही है और अब पब्लिक वापस से बॉयकॉट करने पे उतर आई है इस मूवी को। अब क्या इस बॉयकॉट के जमाने में पठान अपना कमाल दिखा पाएगी या फिर शाहरुख खान की वापसी हक देगी। पठान मूवी को डायरेक्ट किया गया है सिद्धार्थ आनंद ने, जो कि एक अच्छे डायरेक्टर हैं। उन्होंने बहुत सारी बड़ी मूवीज में काम किया है जो कि बॉक्स ऑफिस पे हिट रही है, जैसे बैंग बैंग, वॉर, अनजाना अनजानी, जो कि बहुत ही अच्छी मूवीज रही हैं। तो अब मुझे बस ये देखना है कि क्या ये भी मूवीज बाकियों की तरह हिट रहेगी या बॉयकॉट इसे निगल लेगा। मूवी रिलीज होने वाली है 25 जनवरी को, तो आप देखने जरूर जाना। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, कमेंट में जरूर बताना कि मूवी कैसी लगी। तब तक के लिए चलता हूँ, ओके बाय। कर्नल सुनील लूथरा, जो कि रॉ एजेंसी के चीफ है, उनको खबर मिलती है कि इंडिया से दुबई जाने वाले एरोप्लेन को अब्दुल हामिद नाम की टेररिस्ट ग्रुप ने हाईजैक कर लिया है, जिसके बाद कर्नल लूथरा रॉ एजेंसी के सबसे काबिल एजेंट कबीर यानी कि ऋतिक को इस मिशन पे भेजना चाहते थे। लेकिन कबीर उन दिनों अपने किसी दूसरे मिशन के लिए टर्की गया था, इसलिए इंडियन रॉ एजेंसी उस मिशन पे अपने अंडर ट्रेनिंग एजेंट सुमित मेहता और अंजलि शर्मा को भेजने का प्लान बनाते हैं। सुमित मेहता और अंजलि शर्मा अभी हाल ही में ट्रेन हो रहे थे और कबीर के जाने के बाद यही दो काबिल एजेंट्स थे जिन पे रॉ भरोसा कर सकती थी, इसलिए इन दोनों को चूज किया जाता है। वहीं पे सीन बदलता है अब्दुल हामिद पे, जो कि इंडिया से अपनी डिमांड रखता है और कहता है कि सुनो इंडिया, मेरी पहली डिमांड ये है कि तुम्हारे तिहाड़ जेल में बंद मेरा सबसे करीबी दोस्त ईमान अंसारी को जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए और उसे एक बैग में 100 करोड़ दिया जाए, तभी मैं तुम्हारे देश वालों को सही सलामत आजाद करूंगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो दुबई में आने से पहले तुम्हारे इंडियन पैसेंजर्स अपनी जान खो देंगे। अब अब्दुल हामिद सबसे पहले तो प्लेन के ट्रैकर को तोड़ देता है, जिससे कि इंडिया गवर्नमेंट को उसके एग्जैक्ट लोकेशन का पता नहीं चल पाए, जिसके बाद अब्दुल हामिद पायलट को एरोप्लेन को एक घने जंगल पे लैंड करने को कहता है। अब इंडियन गवर्नमेंट को ये नहीं पता था कि अब्दुल हामिद ने एरोप्लेन को किस जगह पे लैंड करवाया है, लेकिन सुमित मेहरा और अंजलि शर्मा किसी भी तरीके से उस लोकेशन का पता लगा लेते हैं और उस जंगल में पहुंच जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि दोनों कुछ करते, अब्दुल को यहाँ पे सब कुछ पहले ही पता चल जाता है और वो उन पे हमला करवा देता है। दोनों जैसे तैसे करके उनकी गोलियों से बच जाते हैं, लेकिन तभी अब्दुल का अनाउंसमेंट आता है कि इस गलती की भुगतान अब इंडियन पैसेंजर्स करेंगे, और वो उन्हें मारने ही वाला था कि तभी सुमित और अंजलि खुद को अब्दुल के हवाले कर देते हैं। और अब जैसा कि सुमित और अंजलि दोनों ही अब्दुल के कब्जे में आ चुके हैं और अब्दुल हामिद इन्हें कभी भी मारने के मूड में था, क्योंकि ये आए थे अब्दुल हामिद के प्लान पर पानी फेरने के लिए, तभी वहाँ पे एंट्री होती है पठान की। पठान पता नहीं कहाँ से उस जंगल में पहुंच जाता है और अकेला ही टेररिस्ट पे हमला कर देता है, और इस बंदे के सामने कोई भी टेररिस्ट टिक नहीं पाता। पठान सभी टेररिस्ट को मार देता है और अब्दुल हामिद की भी कान फाड़ देता है, जिसके बाद पठान उस प्लेन और उसके पैसेंजर्स को सही सलामत दुबई भेज देता है और फिर से गायब हो जाता है। अब सुमित और अंजलि को समझ नहीं आता कि आखिरकार ये आदमी कौन है और कहाँ से आया है और इसने उन्हें बचाया क्यों। तभी सीन बदलता है कर्नल लूथरा पे, जो कि अपने रॉ एजेंट्स को पठान के बारे में बताते हैं। पठान एक ऐसा जाबाज एजेंट है जो कि रॉ में भी नहीं है और ना ही वो किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। पठान तो एक ऐसा सुपर हीरो है जो कि तभी प्रकट होता है जब इंडिया को उसकी जरूरत पड़ती है, यानी कि जब भी इंडिया किसी ऐसी मुसीबत में आता है जब वो आगे कुछ नहीं सोच पाते, तब वहाँ पे हम पठान को जरूर पाते हैं। और पठान ने अपनी सूझबूझ से इंडिया को कई बार मुसीबत से निकाला है। मैं तो ये नहीं जानता कि पठान कौन है, यहाँ कहाँ से आया है, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि पठान एक सच्चा देशभक्त है और वो कभी भी इंडिया के साथ नहीं छोड़ेगा। इतना कर्नल ने कहा ही था कि तभी अंजलि कर्नल से पूछती है कि अगर किसी को पठान के बारे में कुछ पता नहीं है तो आखिरकार उसका नाम पठान कैसे रखा। इतना कहते ही हम कहानी को फ्लैशबैक में जाते हुए देखते हैं, जहां पे एक वॉर के बाद अफगानिस्तान से बचे हुए इंडियन सिविलियंस वापस अपने देश की तरफ आ रहे थे कि तभी उस बस में एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। इस धमाके की गूंज से ही समझ आ गया था कि इसमें कोई नहीं बचा होगा, पर ऐसा हुआ भी था। बस में मौजूद सभी लोग मारे जाते हैं, बस एक 13 साल का बच्चे को छोड़ के। द
धमाका इतना तेज था कि बच्चा अपनी याददाश्त खो देता है। उसे न अपनी माँ का पता है और न ही अपने पिता का, लेकिन दुनिया का कहना ये था कि ये लड़का अफगानी पठान है जो कि बस में बॉम्ब प्लांट करने ही चढ़ा था, इसलिए तो सभी मर गए लेकिन ये बच्चा बच गया। दुनिया ने पठान को एक टेररिस्ट मान लिया था और उसे एक जेल में कैद कर दिया गया, जिसके बाद उसके ऊपर कई टॉर्चर्स का इस्तेमाल किया गया ताकि वो उन्हें बता दे कि उनका लीडर कौन है, लेकिन याददाश्त ना होने के कारण पठान के पास कोई जवाब नहीं होता। लेकिन अजीब बात ये थी कि उस बच्चे को हिंदी और सारी लैंग्वेज आती थी जो कि इंडिया में मौजूद है, जिसके कारण एक रॉ एजेंट को समझ आ जाता है कि ये लड़का इंडियन ही है, जिसके बाद वो रॉ एजेंट गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करके उस बच्चे की कस्टडी अपने पास ले लेता है। जिसके बाद कुछ ही दिनों बाद होता कुछ ऐसा है कि टेररिस्ट आके उस रॉ एजेंट पे हमला कर देते हैं, जिससे कि उसकी मौत हो जाती है और अब दुनिया को कंफर्म हो जाता है कि वो लड़का टेररिस्ट है। तब से उसका नाम पठान हो गया। उसे इंडिया में खोजा भी गया था लेकिन उसका कभी कुछ पता नहीं चला, लेकिन बहुत सारी जगहों पे उसे देखा गया इंडिया की मदद करते हुए, जो कि शायद इसलिए था क्योंकि पठान खुद को प्रूफ करना चाहता था कि वो एक देशभक्त है इंडिया की मदद करके, जो कि शायद उसकी मदद कर पाए उसके ऊपर से टेररिस्ट का धब्बा हटाने में। लूथर आगे बताते हैं कि पठान के बारे में हमें सबसे पहले पता तब चला था जब यूएसए में एक इंडियन मिनिस्टर की बेटी को एक टूर के दौरान किडनैप कर लिया गया था, और तब हमने अपने काबिल रॉ एजेंट कबीर खान को उसे बचाने के लिए भेजा, लेकिन फिर भी उनकी पकड़ कॉलेज के बच्चों पे थी तो वो उन्हें मारना शुरू करने वाले थे, जिसकी वजह से वहाँ पे हमें टाइगर भाई को भेजना पड़ा, लेकिन फिर भी कुछ फायदा नहीं हो रहा था, मिशन उनके हाथ से निकल रहा था कि तभी वहाँ पे पठान आके कबीर और टाइगर भाई की मदद से इंडियन बच्चों की जान बचा लेते हैं, और तब से हमें पता चला कि पठान एक इंडियन है और वो एक सच्चा देशभक्त है। अब आपको लग रहा होगा कि कहानी यहाँ पे खत्म है, लेकिन नहीं, कहानी यहाँ से एक भयंकर ट्विस्ट लेती है जो कि मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। बात करें इस मूवी की तो मूवी में वापसी कर रहे हैं शाहरुख खान करीब 3 सालों के बाद, जिसकी वजह से क्रेज और हाइप बहुत ही भयंकर बना हुआ है, लेकिन इसी में एक विवाद भी हो रखा है क्योंकि दीपिका ने कुछ ऐसे कपड़े पहने हैं जो कि देशवासियों के फीलिंग्स को ठेस पहुंचा रही है, और अब पब्लिक वापस से बॉयकॉट करने पे उतर आई है इस मूवी को। अब क्या इस बॉयकॉट के जमाने में पठान अपना कमाल दिखा पाएगी या फिर शाहरुख खान की वापसी हक देगी। पठान मूवी को डायरेक्ट किया गया है सिद्धार्थ आनंद ने, जो कि एक अच्छे डायरेक्टर हैं। उन्होंने बहुत सारी बड़ी मूवीज में काम किया है जो कि बॉक्स ऑफिस पे हिट रही है, जैसे बैंग बैंग, वॉर, अनजाना अनजानी, जो कि बहुत ही अच्छी मूवीज रही हैं। तो अब मुझे बस ये देखना है कि क्या ये भी मूवीज बाकियों की तरह हिट रहेगी या बॉयकॉट इससे निकल लेगा। मूवी रिलीज होने वाली है 25 जनवरी को, तो आप देखने जरूर जाना, और आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, कमेंट में जरूर बताना कि मूवी कैसी लगी। तब तक के लिए चलता हूँ, ओके बाय। कर्नल सुनील लूथरा, जो कि रॉ एजेंसी के चीफ है, उनको खबर मिलती है कि इंडिया से दुबई जाने वाले एरोप्लेन को अब्दुल हामिद नाम की टेररिस्ट ग्रुप ने हाईजैक कर लिया है, जिसके बाद कर्नल लूथरा रॉ एजेंसी के सबसे काबिल एजेंट कबीर यानी कि ऋतिक को इस मिशन पे भेजना चाहते थे, लेकिन कबीर उन दिनों अपने किसी दूसरे मिशन के लिए टर्की गया था, इसलिए इंडियन रॉ एजेंसी उस मिशन पे अपने अंडर ट्रेनिंग एजेंट सुमित मेहता और अंजलि शर्मा को भेजने का प्लान बनाते हैं। सुमित मेहता और अंजलि शर्मा अभी हाल ही में ट्रेन हो रहे थे, और कबीर के जाने के बाद यही दो काबिल एजेंट्स थे जिन पे रॉ भरोसा कर सकती थी, इसलिए इन दोनों को चूज किया जाता है। वहीं पे सीन बदलता है अब्दुल हामिद पे, जो कि इंडिया से अपनी डिमांड रखता है और कहता है कि सुनो इंडिया, मेरी पहली डिमांड ये है कि तुम्हारे तिहाड़ जेल में बंद मेरा सबसे करीबी दोस्त ईमान अंसारी को जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए और उसे एक बैग में 100 करोड़ दिया जाए, तभी मैं तुम्हारे देश वालों को सही सलामत आजाद करूंगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो दुबई में आने से पहले तुम्हारे इंडियन पैसेंजर्स अपनी जान खो देंगे। अब अब्दुल हामिद सबसे पहले तो प्लेन के ट्रैकर को तोड़ देता है, जिससे कि इंडिया गवर्नमेंट को उसके एग्जैक्ट लोकेशन का पता नहीं चल पाए, जिसके बाद अब्दुल हामिद पायलट को एरोप्लेन को एक घने जंगल पे लैंड करने को कहता है। अब इंडियन गवर्नमेंट को ये नहीं पता था कि अब्दुल हामिद ने एरोप्लेन को किस जगह पे लैंड करवाया है, लेकिन सुमित मेहरा और अंजलि शर्मा किसी भी तरीके से उस लोकेशन का पता लगा लेते हैं और उस जंगल में पहुंच जाते हैं।
लेकिन इससे पहले कि दोनों कुछ करते, अब्दुल को यहाँ पे सब कुछ पहले ही पता चल जाता है और वो उन पे हमला करवा देता है। दोनों जैसे तैसे करके उनकी गोलियों से बच जाते हैं, लेकिन तभी अब्दुल का अनाउंसमेंट आता है कि इस गलती की भुगतान अब इंडियन पैसेंजर्स करेंगे और वो उन्हें मारने ही वाला था कि तभी सुमित और अंजलि खुद को अब्दुल के हवाले कर देते हैं। और अब जैसा कि सुमित और अंजलि दोनों ही अब्दुल के कब्जे में आ चुके हैं और अब्दुल हामिद इन्हें कभी भी मारने के मूड में था, क्योंकि ये आए थे अब्दुल हामिद के प्लान पर पानी फेरने के लिए। तभी वहाँ पे एंट्री होती है पठान की। पठान पता नहीं कहाँ से उस जंगल में पहुँच जाता है और अकेला ही टेररिस्ट पे हमला कर देता है और इस बंदे के सामने कोई भी टेररिस्ट टिक नहीं पाता। पठान सभी टेररिस्ट को मार देता है और अब्दुल हामिद की भी कान फाड़ देता है, जिसके बाद पठान उस प्लेन और उसके पैसेंजर्स को सही सलामत दुबई भेज देता है और फिर से गायब हो जाता है। अब सुमित और अंजलि को समझ नहीं आता कि आखिरकार ये आदमी कौन है और कहाँ से आया है और इसने उन्हें बचाया क्यों। तभी सीन बदलता है कर्नल लूथरा पे, जो कि अपने रॉ एजेंट्स को पठान के बारे में बताते हैं। पठान एक ऐसा जाबाज एजेंट है जो कि रॉ में भी नहीं है और ना ही वो किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। पठान तो एक ऐसा सुपर हीरो है जो कि तभी प्रकट होता है जब इंडिया को उसकी जरूरत पड़ती है, यानी कि जब भी इंडिया किसी ऐसी मुसीबत में आता है जब वो आगे कुछ नहीं सोच पाते, तब वहाँ पे हम पठान को जरूर पाते हैं। और पठान ने अपनी सूझबूझ से इंडिया को कई बार मुसीबत से निकाला है। मैं तो ये नहीं जानता कि पठान कौन है, यहाँ कहाँ से आया है, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि पठान एक सच्चा देशभक्त है और वो कभी भी इंडिया के साथ नहीं छोड़ेगा। इतना कर्नल ने कहा ही था कि तभी अंजलि कर्नल से पूछती है कि अगर किसी को पठान के बारे में कुछ पता नहीं है तो आखिरकार उसका नाम पठान कैसे रखा। इतना कहते ही हम कहानी को फ्लैशबैक में जाते हुए देखते हैं, जहां पे एक वॉर के बाद अफगानिस्तान से बचे हुए इंडियन सिविलियंस वापस अपनी देश की तरफ आ रहे थे कि तभी उस बस में एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। इस धमाके की गूंज से ही समझ आ गया था कि इसमें कोई नहीं बचा होगा, पर ऐसा हुआ भी था। बस में मौजूद सभी लोग मारे जाते हैं, बस एक 13 साल का बच्चे को छोड़ के। धमाका इतना तेज था कि बच्चा अपनी याददाश्त खो देता है। उसे ना अपनी माँ का पता है और ना ही अपने पिता का, लेकिन दुनिया का कहना ये था कि ये लड़का अफगानी पठान है जो कि बस में बॉम्ब प्लांट करने ही चढ़ा था। इसलिए तो सभी मर गए, लेकिन ये बच्चा बच गया। दुनिया ने पठान को एक टेररिस्ट मान लिया था और उसे एक जेल में कैद कर दिया गया, जिसके बाद उसके ऊपर कई टॉर्चर्स का इस्तेमाल किया गया ताकि वो उन्हें बता दे कि उनका लीडर कौन है, लेकिन याददाश्त ना होने के कारण पठान के पास कोई जवाब नहीं होता। लेकिन अजीब बात ये थी कि उस बच्चे को हिंदी और सारी लैंग्वेज आती थी जो कि इंडिया में मौजूद है, जिसके कारण एक रॉ एजेंट को समझ आ जाता है कि ये लड़का इंडियन ही है, जिसके बाद वो रॉ एजेंट गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करके उस बच्चे की कस्टडी अपने पास ले लेता है। जिसके बाद कुछ ही दिनों बाद होता कुछ ऐसा है कि टेररिस्ट आके उस रॉ एजेंट पे हमला कर देते हैं, जिससे कि उसकी मौत हो जाती है और अब दुनिया को कंफर्म हो जाता है कि वो लड़का टेररिस्ट है। तब से उसका नाम पठान हो गया। उसे इंडिया में खोजा भी गया था, लेकिन उसका कभी कुछ पता नहीं चला, लेकिन बहुत सारी जगहों पे उसे देखा गया इंडिया की मदद करते हुए, जो कि शायद इसलिए था क्योंकि पठान खुद को प्रूफ करना चाहता था कि वो एक देशभक्त है इंडिया की मदद करके, जो कि शायद उसकी मदद कर पाए उसके ऊपर से टेररिस्ट का धब्बा हटाने में। लूथरा आगे बताते हैं कि पठान के बारे में हमें सबसे पहले पता तब चला था जब यूएसए में एक इंडियन मिनिस्टर की बेटी को एक टूर के दौरान किडनैप कर लिया गया था, और तब हमने अपने काबिल रॉ एजेंट कबीर खान को उसे बचाने के लिए भेजा, लेकिन फिर भी उनकी पकड़ कॉलेज के बच्चों पे थी तो वो उन्हें मारना शुरू करने वाले थे, जिसकी वजह से वहाँ पे हमें टाइगर भाई को भेजना पड़ा, लेकिन फिर भी कुछ फायदा नहीं हो रहा था, मिशन उनके हाथ से निकल रहा था कि तभी वहाँ पे पठान आके कबीर और टाइगर भाई की मदद से इंडियन बच्चों की जान बचा लेते हैं। और तब से हमें पता चला कि पठान एक इंडियन है और वो एक सच्चा देशभक्त है। अब आपको लग रहा होगा कि कहानी यहाँ पे खत्म है, लेकिन नहीं, कहानी यहाँ से एक भयंकर ट्विस्ट लेती है जो कि मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। बात करें इस मूवी की, तो मूवी में वापसी कर रहे हैं शाहरुख खान करीब 3 सालों के बाद, जिसकी वजह से क्रेज और हाइप बहुत ही भयंकर बना हुआ है। लेकिन इसी में एक विवाद भी हो रखा है, क्योंकि दीपिका ने कुछ ऐसे कपड़े पहने हैं जो कि देशवासियों के फीलिंग्स को ठेस पहुंचा रही है, और अब पब्लिक वापस से बॉयकॉट करने पे उतर आई
आई है इस मूवी को। अब क्या इस बॉयकॉट के जमाने में पठान अपना कमाल दिखा पाएगी या फिर शाहरुख खान की वापसी हक देगी। पठान मूवी को डायरेक्ट किया गया है सिद्धार्थ आनंद ने, जो कि एक अच्छे डायरेक्टर हैं। उन्होंने बहुत सारी बड़ी मूवीज में काम किया है जो कि बॉक्स ऑफिस पे हिट रही है, जैसे बैंग बैंग, वॉर, अनजाना अनजानी, जो कि बहुत ही अच्छी मूवीज रही हैं। तो अब मुझे बस ये देखना है कि क्या ये भी मूवीज बाकियों की तरह हिट रहेगी या बॉयकॉट इससे निकल लेगा। मूवी रिलीज होने वाली है 25 जनवरी को, तो आप देखने जरूर जाना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, कमेंट में जरूर बताना कि मूवी कैसी लगी। तब तक के लिए चलता हूँ, ओके बाय। कर्नल सुनील लूथरा, जो कि रॉ एजेंसी के चीफ है, उनको खबर मिलती है कि इंडिया से दुबई जाने वाले एरोप्लेन को अब्दुल हामिद नाम की टेररिस्ट ग्रुप ने हाईजैक कर लिया है, जिसके बाद कर्नल लूथरा रॉ एजेंसी के सबसे काबिल एजेंट कबीर यानी कि ऋतिक को इस मिशन पे भेजना चाहते थे, लेकिन कबीर उन दिनों अपने किसी दूसरे मिशन के लिए टर्की गया था। इसलिए इंडियन रॉ एजेंसी उस मिशन पे अपने अंडर ट्रेनिंग एजेंट सुमित मेहता और अंजलि शर्मा को भेजने का प्लान बनाते हैं। सुमित मेहता और अंजलि शर्मा अभी हाल ही में ट्रेन हो रहे थे, और कबीर के जाने के बाद यही दो काबिल एजेंट्स थे जिन पे रॉ भरोसा कर सकती थी, इसलिए इन दोनों को चूज किया जाता है। वहीं पे सीन बदलता है अब्दुल हामिद पे, जो कि इंडिया से अपनी डिमांड रखता है और कहता है कि सुनो इंडिया, मेरी पहली डिमांड ये है कि तुम्हारे तिहाड़ जेल में बंद मेरा सबसे करीबी दोस्त ईमान अंसारी को जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए और उसे एक बैग में 100 करोड़ दिया जाए, तभी मैं तुम्हारे देश वालों को सही सलामत आजाद करूंगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो दुबई में आने से पहले तुम्हारे इंडियन पैसेंजर्स अपनी जान खो देंगे। अब अब्दुल हामिद सबसे पहले तो प्लेन के ट्रैकर को तोड़ देता है, जिससे कि इंडिया गवर्नमेंट को उसके एग्जैक्ट लोकेशन का पता नहीं चल पाए, जिसके बाद अब्दुल हामिद पायलट को एरोप्लेन को एक घने जंगल पे लैंड करने को कहता है। अब इंडियन गवर्नमेंट को ये नहीं पता था कि अब्दुल हामिद ने एरोप्लेन को किस जगह पे लैंड करवाया है, लेकिन सुमित मेहरा और अंजलि शर्मा किसी भी तरीके से उस लोकेशन का पता लगा लेते हैं और उस जंगल में पहुंच जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि दोनों कुछ करते, अब्दुल को यहाँ पे सब कुछ पहले ही पता चल जाता है और वो उन पे हमला करवा देता है। दोनों जैसे तैसे करके उनकी गोलियों से बच जाते हैं, लेकिन तभी अब्दुल का अनाउंसमेंट आता है कि इस गलती की भुगतान अब इंडियन पैसेंजर्स करेंगे, और वो उन्हें मारने ही वाला था कि तभी सुमित और अंजलि खुद को अब्दुल के हवाले कर देते हैं। और अब जैसा कि सुमित और अंजलि दोनों ही अब्दुल के कब्जे में आ चुके हैं, और अब्दुल हामिद इन्हें कभी भी मारने के मूड में था, क्योंकि ये आए थे अब्दुल हामिद के प्लान पर पानी फेरने के लिए। तभी वहाँ पे एंट्री होती है पठान की। पठान पता नहीं कहां से उस जंगल में पहुंच जाता है और अकेला ही टेररिस्ट पे हमला कर देता है, और इस बंदे के सामने कोई भी टेररिस्ट टिक नहीं पाता। पठान सभी टेररिस्ट को मार देता है और अब्दुल हामिद के भी कान फाड़ देता है, जिसके बाद पठान उस प्लेन और उसके पैसेंजर्स को सही सलामत दुबई भेज देता है और फिर से गायब हो जाता है। अब सुमित और अंजलि को समझ नहीं आता कि आखिरकार ये आदमी कौन है और कहां से आया है और इसने उन्हें बचाया क्यों। तभी सीन बदलता है कर्नल लूथरा पे, जो कि अपने रॉ एजेंट्स को पठान के बारे में बताते हैं। पठान एक ऐसा जाबाज एजेंट है जो कि रॉ में भी नहीं है और ना ही वो किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। पठान तो एक ऐसा सुपर हीरो है जो कि तभी प्रकट होता है जब इंडिया को उसकी जरूरत पड़ती है, यानी कि जब भी इंडिया किसी ऐसी मुसीबत में आता है जब वो आगे कुछ नहीं सोच पाते, तब वहाँ पे हम पठान को जरूर पाते हैं। और पठान ने अपनी सूझबूझ से इंडिया को कई बार मुसीबत से निकाला है। मैं तो ये नहीं जानता कि पठान कौन है, यहाँ कहाँ से आया है, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि पठान एक सच्चा देशभक्त है और वो कभी भी इंडिया के साथ नहीं छोड़ेगा। इतना कर्नल ने कहा ही था कि तभी अंजलि कर्नल से पूछती है कि अगर किसी को पठान के बारे में कुछ पता नहीं है तो आखिरकार उसका नाम पठान कैसे रखा। इतना कहते ही हम कहानी को फ्लैशबैक में जाते हुए देखते हैं, जहां पे एक वॉर के बाद अफगानिस्तान से बचे हुए इंडियन सिविलियंस वापस अपने देश की तरफ आ रहे थे कि तभी उस बस में एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। इस धमाके की गूंज से ही समझ आ गया था कि इसमें कोई नहीं बचा होगा, पर ऐसा हुआ भी था। बस में मौजूद सभी लोग मारे जाते हैं,
बस एक 13 साल का बच्चे को छोड़ के। धमाका इतना तेज था कि बच्चा अपनी याददाश्त खो देता है। उसे न अपनी माँ का पता है और न ही अपने पिता का, लेकिन दुनिया का कहना ये था कि ये लड़का अफगानी पठान है जो कि बस में बॉम्ब प्लान करने ही चढ़ा था। इसलिए तो सभी मर गए, लेकिन ये बच्चा बच गया। दुनिया ने पठान को एक टेररिस्ट मान लिया था और उसे एक जेल में कैद कर दिया गया, जिसके बाद उसके ऊपर कई टॉर्चर्स का इस्तेमाल किया गया ताकि वो उन्हें बता दे कि उनका लीडर कौन है। लेकिन याददाश्त ना होने के कारण पठान के पास कोई जवाब नहीं होता। लेकिन अजीब बात ये थी कि उस बच्चे को हिंदी और सारी लैंग्वेज आती थी जो कि इंडिया में मौजूद है, जिसके कारण एक रॉ एजेंट को समझ आ जाता है कि ये लड़का इंडियन ही है। जिसके बाद वो रॉ एजेंट गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करके इस बच्चे की कस्टडी अपने पास ले लेता है। जिसके बाद कुछ ही दिनों बाद होता कुछ ऐसा है कि टेररिस्ट आके उस रॉ एजेंट पे हमला कर देते हैं, जिससे कि उसकी मौत हो जाती है और अब दुनिया को कंफर्म हो जाता है कि वो लड़का टेररिस्ट है। तब से उसका नाम पठान हो गया। उसे इंडिया में खोजा भी गया था, लेकिन उसका कभी कुछ पता नहीं चला। लेकिन बहुत सारी जगहों पे उसे देखा गया इंडिया की मदद करते हुए, जो कि शायद इसलिए था क्योंकि पठान खुद को प्रूफ करना चाहता था कि वो एक देशभक्त है इंडिया की मदद करके, जो कि शायद उसकी मदद कर पाए उसके ऊपर से टेररिस्ट का धब्बा हटाने में। लूथर आगे बताते हैं कि पठान के बारे में हमें सबसे पहले पता तब चला था जब यूएसए में एक इंडियन मिनिस्टर की बेटी को एक टूर के दौरान किडनैप कर लिया गया था, और तब हमने अपने काबिल रो एजेंट कबीर खान को उसे बचाने के लिए भेजा। लेकिन फिर भी उनकी पकड़ कॉलेज के बच्चों पे थी, तो वो उन्हें मारना शुरू करने वाले थे, जिसकी वजह से वहाँ पे हमें टाइगर भाई को भेजना पड़ा। लेकिन फिर भी कुछ फायदा नहीं हो रहा था, मिशन उनके हाथ से निकल रहा था कि तभी वहाँ पे पठान आके कबीर और टाइगर भाई की मदद से इंडियन बच्चों की जान बचा लेते हैं। और तब से हमें पता चला कि पठान एक इंडियन है और वो एक सच्चा देशभक्त है। अब आपको लग रहा होगा कि कहानी यहाँ पे खत्म है, लेकिन नहीं, कहानी यहाँ से एक भयंकर ट्विस्ट लेती है जो कि मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। बात करें इस मूवी की, तो मूवी में वापसी कर रहे हैं शाहरुख खान करीब 3 सालों के बाद, जिसकी वजह से क्रेज और हाइप बहुत ही भयंकर बना हुआ है। लेकिन इसी में एक विवाद भी हो रखा है, क्योंकि दीपिका ने कुछ ऐसे कपड़े पहने हैं जो कि देशवासियों के फीलिंग्स को ठेस पहुंचा रही है, और अब पब्लिक वापस से बॉयकॉट करने पे उतर आई है इस मूवी को। अब क्या इस बॉयकॉट के जमाने में पठान अपना कमाल दिखा पाएगी, या फिर शाहरुख खान की वापसी हक देगी? पठान मूवी को डायरेक्ट किया गया है सिद्धार्थ आनंद ने, जो कि एक अच्छे डायरेक्टर हैं। उन्होंने बहुत सारी बड़ी मूवीज में काम किया है जो कि बॉक्स ऑफिस पे हिट रही है, जैसे बैंग बैंग, वॉर, अनजाना अनजानी, जो कि बहुत ही अच्छी मूवीज रही हैं। तो अब मुझे बस ये देखना है कि क्या ये भी मूवीज बाकियों की तरह हिट रहेगी या बॉयकॉट इससे निगल लेगा। मूवी रिलीज होने वाली है 25 जनवरी को, तो आप देखने जरूर जाना। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, कमेंट में जरूर बताना कि मूवी कैसी लगी। तब तक के लिए चलता हूँ, ओके बाय। कर्नल सुनील लूथरा, जो कि रॉ एजेंसी के चीफ है, उनको खबर मिलती है कि इंडिया से दुबई जाने वाले एरोप्लेन को अब्दुल हामिद नाम की टेररिस्ट ग्रुप ने हाईजैक कर लिया है। जिसके बाद कर्नल लूथरा रॉ एजेंसी के सबसे काबिल एजेंट कबीर यानी कि ऋतिक को इस मिशन पे भेजना चाहते थे, लेकिन कबीर उन दिनों अपने किसी दूसरे मिशन के लिए टर्की गया था। इसलिए इंडियन रॉ एजेंसी उस मिशन पे अपने अंडर ट्रेनिंग एजेंट सुमित मेहता और अंजलि शर्मा को भेजने का प्लान बनाते हैं। सुमित मेहता और अंजलि शर्मा अभी हाल ही में ट्रेन हो रहे थे, और कबीर के जाने के बाद यही दो काबिल एजेंट्स थे जिन पे रॉ भरोसा कर सकती थी, इसलिए इन दोनों को चूज किया जाता है। वहीं पे सीन बदलता है अब्दुल हामिद पे, जो कि इंडिया से अपनी डिमांड रखता है और कहता है कि सुनो इंडिया, मेरी पहली डिमांड ये है कि तुम्हारे तिहाड़ जेल में बंद मेरा सबसे करीबी दोस्त ईमान अंसारी को जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए और उसे एक बैग में 100 करोड़ दिया जाए, तभी मैं तुम्हारे देश वालों को सही सलामत आजाद करूंगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो दुबई में आने से पहले तुम्हारे इंडियन पैसेंजर्स अपनी जान खो देंगे। अब अब्दुल हामिद सबसे पहले तो प्लेन के ट्रैकर को तोड़ देता है, जिससे कि इंडिया गवर्नमेंट को उसके एग्जैक्ट लोकेशन का पता नहीं चल पाए। जिसके बाद अब्दुल हामिद पायलट को एरोप्लेन को एक घने जंगल पे लैंड करने को कहता है। अब इंडियन गवर्नमेंट को ये नहीं पता था कि अब्दुल हामिद ने एरोप्लेन को किस जगह पे लैंड करवाया है, लेकिन सुमित मेहरा और अंजलि शर्मा किसी भी तरीके से उस लोकेशन का पता लगा लेते हैं और उस जंगल में पहुंच जाते हैं।
लेकिन इससे पहले कि दोनों कुछ करते, अब्दुल को यहाँ पे सब कुछ पहले ही पता चल जाता है और वो उन पे हमला करवा देता है। दोनों जैसे तैसे करके उनकी गोलियों से बच जाते हैं, लेकिन तभी अब्दुल का अनाउंसमेंट आता है कि इस गलती की भुगतान अब इंडियन पैसेंजर्स करेंगे, और वो उन्हें मारने ही वाला था कि तभी सुमित और अंजलि खुद को अब्दुल के हवाले कर देते हैं। और अब जैसा कि सुमित और अंजलि दोनों ही अब्दुल के कब्जे में आ चुके हैं, और अब्दुल हामिद इन्हें कभी भी मारने के मूड में था, क्योंकि ये आए थे अब्दुल हामिद के प्लान पर पानी फेरने के लिए। तभी वहाँ पे एंट्री होती है पठान की। पठान पता नहीं कहाँ से उस जंगल में पहुँच जाता है और अकेला ही टेररिस्ट पे हमला कर देता है, और इस बंदे के सामने कोई भी टेररिस्ट टिक नहीं पाता। पठान सभी टेररिस्ट को मार देता है और अब्दुल हामिद की भी कान फाड़ देता है, जिसके बाद पठान उस प्लेन और उसके पैसेंजर्स को सही सलामत दुबई भेज देता है और फिर से गायब हो जाता है। अब सुमित और अंजलि को समझ नहीं आता कि आखिरकार ये आदमी कौन है और कहाँ से आया है और इसने उन्हें बचाया क्यों। तभी सीन बदलता है कर्नल लूथरा पे, जो कि अपने रॉ एजेंट्स को पठान के बारे में बताते हैं। पठान एक ऐसा जाबाज एजेंट है जो कि रॉ में भी नहीं है और ना ही वो किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। पठान तो एक ऐसा सुपर हीरो है जो कि तभी प्रकट होता है जब इंडिया को उसकी जरूरत पड़ती है, यानी कि जब भी इंडिया किसी ऐसी मुसीबत में आता है जब वो आगे कुछ नहीं सोच पाते, तब वहाँ पे हम पठान को जरूर पाते हैं। और पठान ने अपनी सूझबूझ से इंडिया को कई बार मुसीबत से निकाला है। मैं तो ये नहीं जानता कि पठान कौन है, यहाँ कहाँ से आया है, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि पठान एक सच्चा देशभक्त है और वो कभी भी इंडिया के साथ नहीं छोड़ेगा। इतना कर्नल ने कहा ही था कि तभी अंजलि कर्नल से पूछती है कि अगर किसी को पठान के बारे में कुछ पता नहीं है तो आखिरकार उसका नाम पठान कैसे रखा। इतना कहते ही हम कहानी को फ्लैशबैक में जाते हुए देखते हैं, जहां पे एक वॉर के बाद अफगानिस्तान से बचे हुए इंडियन सिविलियंस वापस अपने देश की तरफ आ रहे थे कि तभी उस बस में एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। इस धमाके की गूंज से ही समझ आ गया था कि इसमें कोई नहीं बचा होगा, पर ऐसा हुआ भी था। बस में मौजूद सभी लोग मारे जाते हैं, बस एक 13 साल का बच्चे को छोड़ के। धमाका इतना तेज था कि बच्चा अपनी याददाश्त खो देता है। उसे ना अपनी माँ का पता है और ना ही अपने पिता का, लेकिन दुनिया का कहना ये था कि ये लड़का अफगानी पठान है जो कि बस में बॉम्ब प्लान करने ही चढ़ा था। इसलिए तो सभी मर गए, लेकिन ये बच्चा बच गया। दुनिया ने पठान को एक टेररिस्ट मान लिया था और उसे एक जेल में कैद कर दिया गया, जिसके बाद उसके ऊपर कई टॉर्चर्स का इस्तेमाल किया गया ताकि वो उन्हें बता दे कि उनका लीडर कौन है, लेकिन याददाश्त ना होने के कारण पठान के पास कोई जवाब नहीं होता। लेकिन अजीब बात ये थी कि उस बच्चे को हिंदी और सारी लैंग्वेज आती थी जो कि इंडिया में मौजूद है, जिसके कारण एक रॉ एजेंट को समझ आ जाता है कि ये लड़का इंडियन ही है, जिसके बाद वो रॉ एजेंट गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करके उस बच्चे की कस्टडी अपने पास ले लेता है। जिसके बाद कुछ ही दिनों बाद होता कुछ ऐसा है कि टेररिस्ट आके उस रॉ एजेंट पे हमला कर देते हैं, जिससे कि उसकी मौत हो जाती है और अब दुनिया को कंफर्म हो जाता है कि वो लड़का टेररिस्ट है। तब से उसका नाम पठान हो गया। उसे इंडिया में खोजा भी गया था, लेकिन उसका कभी कुछ पता नहीं चला, लेकिन बहुत सारी जगहों पे उसे देखा गया इंडिया की मदद करते हुए, जो कि शायद इसलिए था क्योंकि पठान खुद को प्रूफ करना चाहता था कि वो एक देशभक्त है इंडिया की मदद करके, जो कि शायद उसकी मदद कर पाए उसके ऊपर से टेररिस्ट का धब्बा हटाने में। लूथरा आगे बताते हैं कि पठान के बारे में हमें सबसे पहले पता तब चला था जब यूएसए में एक इंडियन मिनिस्टर की बेटी को एक टूर के दौरान किडनैप कर लिया गया था, और तब हमने अपने काबिल रॉ एजेंट कबीर खान को उसे बचाने के लिए भेजा, लेकिन फिर भी उनकी पकड़ कॉलेज के बच्चों पे थी तो वो उन्हें मारना शुरू करने वाले थे, जिसकी वजह से वहाँ पे हमें टाइगर भाई को भेजना पड़ा, लेकिन फिर भी कुछ फायदा नहीं हो रहा था, मिशन उनके हाथ से निकल रहा था कि तभी वहाँ पे पठान आके कबीर और टाइगर भाई की मदद से इंडियन बच्चों की जान बचा लेते हैं, और तब से हमें पता चला कि पठान एक इंडियन है और वो एक सच्चा देशभक्त है। अब आपको लग रहा होगा कि कहानी यहाँ पे खत्म है, लेकिन नहीं, कहानी यहाँ से एक भयंकर ट्विस्ट लेती है जो कि मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। बात करें इस मूवी की तो मूवी में वापसी कर रहे हैं शाहरुख खान करीब 3 सालों के बाद, जिसकी वजह से
क्रेज और हाइप बहुत ही भयंकर बना हुआ है। लेकिन इसी में एक विवाद भी हो रखा है, क्योंकि दीपिका ने कुछ ऐसे कपड़े पहने हैं जो कि देशवासियों के फीलिंग्स को ठेस पहुंचा रही है और अब पब्लिक वापस से बॉयकॉट करने पे उतर आई है इस मूवी को। अब क्या इस बॉयकॉट के जमाने में पठान अपना कमाल दिखा पाएगी या फिर शाहरुख खान की वापसी हक देगी। पठान मूवी को डायरेक्ट किया गया है सिद्धार्थ आनंद ने, जो कि एक अच्छे डायरेक्टर हैं। उन्होंने बहुत सारी बड़ी मूवीज में काम किया है जो कि बॉक्स ऑफिस पे हिट रही है, जैसे बैंग बैंग, वॉर, अनजाना अनजानी, जो कि बहुत ही अच्छी मूवीज रही हैं। तो अब मुझे बस ये देखना है कि क्या ये भी मूवीज बाकियों की तरह हिट रहेगी या बॉयकॉट इसे निगल लेगा। मूवी रिलीज होने वाली है 25 जनवरी को, तो आप देखने जरूर जाना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, कमेंट में जरूर बताना कि मूवी कैसी लगी। तब तक के लिए चलता हूँ, ओके बाय। कर्नल सुनील लूथरा, जो कि रॉ एजेंसी के चीफ है, उनको खबर मिलती है कि इंडिया से दुबई जाने वाले एरोप्लेन को अब्दुल हामिद नाम की टेररिस्ट ग्रुप ने हाईजैक कर लिया है, जिसके बाद कर्नल लूथरा रॉ एजेंसी के सबसे काबिल एजेंट कबीर यानी कि ऋतिक को इस मिशन पे भेजना चाहते थे। लेकिन कबीर उन दिनों अपने किसी दूसरे मिशन के लिए टर्की गया था, इसलिए इंडियन रॉ एजेंसी उस मिशन पे अपने अंडर ट्रेनिंग एजेंट सुमित मेहता और अंजलि शर्मा को भेजने का प्लान बनाते हैं। सुमित मेहता और अंजलि शर्मा अभी हाल ही में ट्रेन हो रहे थे और कबीर के जाने के बाद यही दो काबिल एजेंट्स थे जिन पे रॉ भरोसा कर सकती थी, इसलिए इन दोनों को चूज किया जाता है। वहीं पे सीन बदलता है अब्दुल हामिद पे, जो कि इंडिया से अपनी डिमांड रखता है और कहता है कि सुनो इंडिया, मेरी पहली डिमांड ये है कि तुम्हारे तिहाड़ जेल में बंद मेरा सबसे करीबी दोस्त ईमान अंसारी को जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए और उसे एक बैग में 100 करोड़ दिया जाए, तभी मैं तुम्हारे देश वालों को सही सलामत आजाद करूंगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो दुबई में आने से पहले तुम्हारे इंडियन पैसेंजर्स अपनी जान खो देंगे। अब अब्दुल हामिद सबसे पहले तो प्लेन के ट्रैकर को तोड़ देता है, जिससे कि इंडिया गवर्नमेंट को उसके एग्जैक्ट लोकेशन का पता नहीं चल पाए, जिसके बाद अब्दुल हामिद पायलट को एरोप्लेन को एक घने जंगल में लैंड करने को कहता है। अब इंडियन गवर्नमेंट को ये नहीं पता था कि अब्दुल हामिद ने एरोप्लेन को किस जगह पे लैंड करवाया है, लेकिन सुमित मेहरा और अंजलि शर्मा किसी भी तरीके से उस लोकेशन का पता लगा लेते हैं और उस जंगल में पहुंच जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि दोनों कुछ करते, अब्दुल को यहाँ पे सब कुछ पहले ही पता चल जाता है और वो उनपे हमला करवा देता है। दोनों जैसे तैसे करके उनकी गोलियों से बच जाते हैं, लेकिन तभी अब्दुल का अनाउंसमेंट आता है कि इस गलती की भुगतान अब इंडियन पैसेंजर्स करेंगे, और वो उन्हें मारने ही वाला था कि तभी सुमित और अंजलि खुद को अब्दुल के हवाले कर देते हैं। और अब जैसा कि सुमित और अंजलि दोनों ही अब्दुल के कब्जे में आ चुके हैं और अब्दुल हामिद इन्हें कभी भी मारने के मूड में था, क्योंकि ये आए थे अब्दुल हामिद के प्लान पर पानी फेरने के लिए, तभी वहाँ पे एंट्री होती है पठान की। पठान पता नहीं कहां से उस जंगल में पहुंच जाता है और अकेला ही टेररिस्ट पे हमला कर देता है और इस बंदे के सामने कोई भी टेररिस्ट टिक नहीं पाता। पठान सभी टेररिस्ट को मार देता है और अब्दुल हामिद की भी कान फाड़ देता है, जिसके बाद पठान उस प्लेन और उसके पैसेंजर्स को सही सलामत दुबई भेज देता है और फिर से गायब हो जाता है। अब सुमित और अंजलि को समझ नहीं आता कि आखिरकार ये आदमी कौन है और कहां से आया है और इसने उन्हें बचाया क्यों। तभी सीन बदलता है कर्नल लूथरा पे, जो कि अपने रॉ एजेंट्स को पठान के बारे में बताते हैं। पठान एक ऐसा जाबाज एजेंट है जो कि रॉ में भी नहीं है और ना ही वो किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। पठान तो एक ऐसा सुपर हीरो है जो कि तभी प्रकट होता है जब इंडिया को उसकी जरूरत पड़ती है, यानी कि जब भी इंडिया किसी ऐसी मुसीबत में आता है जब वो आगे कुछ नहीं सोच पाते, तब वहाँ पे हम पठान को जरूर पाते हैं। और पठान ने अपनी सूझबूझ से इंडिया को कई बार मुसीबत से निकाला है। मैं तो ये नहीं जानता कि पठान कौन है, यहाँ कहाँ से आया है, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि पठान एक सच्चा देशभक्त है और वो कभी भी इंडिया के साथ नहीं छोड़ेगा। इतना कर्नल ने कहा ही था कि तभी अंजलि कर्नल से पूछती है कि अगर किसी को पठान के बारे में कुछ पता नहीं है तो आखिरकार उसका नाम पठान कैसे रखा। इतना कहते ही हम कहानी को फ्लैशबैक में जाते हुए देखते हैं, जहां पे एक वॉर के बाद अफगानिस्तान से बचे हुए इंडियन सिविलियंस वापस अपने देश की तरफ आ रहे थे कि तभी उस बस में एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है।
इस धमाके की गूंज से ही समझ आ गया था कि इसमें कोई नहीं बचा होगा, पर ऐसा हुआ भी था। बस में मौजूद सभी लोग मारे जाते हैं, बस एक 13 साल का बच्चे को छोड़ के। धमाका इतना तेज था कि बच्चा अपनी याददाश्त खो देता है। उसे न अपनी माँ का पता है और न ही अपने पिता का, लेकिन दुनिया का कहना ये था कि ये लड़का अफगानी पठान है जो कि बस में बॉम्ब प्लान करने ही चढ़ा था। इसलिए तो सभी मर गए, लेकिन ये बच्चा बच गया। दुनिया ने पठान को एक टेररिस्ट मान लिया था और उसे एक जेल में कैद कर दिया गया, जिसके बाद उसके ऊपर कई टॉर्चर्स का इस्तेमाल किया गया ताकि वो उन्हें बता दे कि उनका लीडर कौन है। लेकिन याददाश्त ना होने के कारण पठान के पास कोई जवाब नहीं होता। लेकिन अजीब बात ये थी कि उस बच्चे को हिंदी और सारी लैंग्वेज आती थी जो कि इंडिया में मौजूद है, जिसके कारण एक रॉ एजेंट को समझ आ जाता है कि ये लड़का इंडियन ही है। जिसके बाद वो रॉ एजेंट गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करके इस बच्चे की कस्टडी अपने पास ले लेता है। जिसके बाद कुछ ही दिनों बाद होता कुछ ऐसा है कि टेररिस्ट आके उस रॉ एजेंट पे हमला कर देते हैं, जिससे कि उसकी मौत हो जाती है। और अब दुनिया को कंफर्म हो जाता है कि वो लड़का टेररिस्ट है। तब से उसका नाम पठान हो गया। उसे इंडिया में खोजा भी गया था, लेकिन उसका कभी कुछ पता नहीं चला। लेकिन बहुत सारी जगहों पे उसे देखा गया इंडिया की मदद करते हुए, जो कि शायद इसलिए था क्योंकि पठान खुद को प्रूफ करना चाहता था कि वो एक देशभक्त है इंडिया की मदद करके, जो कि शायद उसकी मदद कर पाए उसके ऊपर से टेररिस्ट का धब्बा हटाने में। लूथरा आगे बताते हैं कि पठान के बारे में हमें सबसे पहले पता तब चला था जब यूएसए में एक इंडियन मिनिस्टर की बेटी को एक टूर के दौरान किडनैप कर लिया गया था, और तब हमने अपने काबिल रॉ एजेंट कबीर खान को उसे बचाने के लिए भेजा। लेकिन फिर भी उनकी पकड़ कॉलेज के बच्चों पे थी, तो वो उन्हें मारना शुरू करने वाले थे, जिसकी वजह से वहाँ पे हमें टाइगर भाई को भेजना पड़ा। लेकिन फिर भी कुछ फायदा नहीं हो रहा था, मिशन उनके हाथ से निकल रहा था कि तभी वहाँ पे पठान आके कबीर और टाइगर भाई की मदद से इंडियन बच्चों की जान बचा लेते हैं। और तब से हमें पता चला कि पठान एक इंडियन है और वो एक सच्चा देशभक्त है। अब आपको लग रहा होगा कि कहानी यहाँ पे खत्म है, लेकिन नहीं, कहानी यहाँ से एक भयंकर ट्विस्ट लेती है जो कि मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। बात करें इस मूवी की, तो मूवी में वापसी कर रहे हैं शाहरुख खान करीब 3 सालों के बाद, जिसकी वजह से क्रेज और हाइप बहुत ही भयंकर बना हुआ है। लेकिन इसी में एक विवाद भी हो रखा है, क्योंकि दीपिका ने कुछ ऐसे कपड़े पहने हैं जो कि देशवासियों के फीलिंग्स को ठेस पहुंचा रही है, और अब पब्लिक वापस से बॉयकॉट करने पे उतर आई है इस मूवी को। अब क्या इस बॉयकॉट के जमाने में पठान अपना कमाल दिखा पाएगी, या फिर शाहरुख खान की वापसी हक देगी? पठान मूवी को डायरेक्ट किया गया है सिद्धार्थ आनंद ने, जो कि एक अच्छे डायरेक्टर हैं। उन्होंने बहुत सारी बड़ी मूवीज में काम किया है जो कि बॉक्स ऑफिस पे हिट रही है, जैसे बैंग बैंग, वॉर, अनजाना अनजानी, जो कि बहुत ही अच्छी मूवीज रही हैं। तो अब मुझे बस ये देखना है कि क्या ये भी मूवीज बाकियों की तरह हिट रहेगी या बॉयकॉट इससे निकल लेगा। मूवी रिलीज होने वाली है 25 जनवरी को, तो आप देखने जरूर जाना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, कमेंट में जरूर बताना कि मूवी कैसी लगी। तब तक के लिए चलता हूँ, ओके बाय। कर्नल सुनील लूथरा, जो कि रॉ एजेंसी के चीफ है, उनको खबर मिलती है कि इंडिया से दुबई जाने वाले एरोप्लेन को अब्दुल हामिद नाम की टेररिस्ट ग्रुप ने हाईजैक कर लिया है। जिसके बाद कर्नल लूथरा रॉ एजेंसी के सबसे काबिल एजेंट कबीर यानी कि ऋतिक को इस मिशन पे भेजना चाहते थे, लेकिन कबीर उन दिनों अपने किसी दूसरे मिशन के लिए टर्की गया था। इसलिए इंडियन रॉ एजेंसी उस मिशन पे अपने अंडर ट्रेनिंग एजेंट सुमित मेहता और अंजलि शर्मा को भेजने का प्लान बनाते हैं। सुमित मेहता और अंजलि शर्मा अभी हाल ही में ट्रेन हो रहे थे, और कबीर के जाने के बाद यही दो काबिल एजेंट्स थे जिन पे रॉ भरोसा कर सकती थी, इसलिए इन दोनों को चूज किया जाता है। वहीं पे सीन बदलता है अब्दुल हामिद पे, जो कि इंडिया से अपनी डिमांड रखता है और कहता है कि सुनो इंडिया, मेरी पहली डिमांड ये है कि तुम्हारे तिहार जेल में बंद मेरा सबसे करीबी दोस्त ईमान अंसारी को जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए और उसे एक बैग में 100 करोड़ दिया जाए, तभी मैं तुम्हारे देश वालों को सही सलामत आजाद करूंगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो दुबई में आने से पहले तुम्हारे इंडियन पैसेंजर्स अपनी जान खो देंगे। अब अब्दुल हामिद सबसे पहले तो प्लेन के ट्रैकर को तोड़ देता है, जिससे कि इंडिया गवर्नमेंट को उसके एग्जैक्ट लोकेशन का पता नहीं चल पाए। जिसके बाद अब्दुल हामिद पायलट को एरोप्लेन को एक घने जंगल में लैंड करने को कहता है। अब इंडियन गवर्नमेंट को ये नहीं पता था
कि अब्दुल हामिद ने एरोप्लेन को किस जगह पे लैंड करवाया है, लेकिन सुमित मेहरा और अंजलि शर्मा किसी भी तरीके से उस लोकेशन का पता लगा लेते हैं और उस जंगल में पहुंच जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि दोनों कुछ करते, अब्दुल को यहाँ पे सब कुछ पहले ही पता चल जाता है और वो उन पे हमला करवा देता है। दोनों जैसे तैसे करके उनकी गोलियों से बच जाते हैं, लेकिन तभी अब्दुल का अनाउंसमेंट आता है कि इस गलती की भुगतान अब इंडियन पैसेंजर्स करेंगे, और वो उन्हें मारने ही वाला था कि तभी सुमित और अंजलि खुद को अब्दुल के हवाले कर देते हैं। और अब जैसा कि सुमित और अंजलि दोनों ही अब्दुल के कब्जे में आ चुके हैं, और अब्दुल हामिद इन्हें कभी भी मारने के मूड में था, क्योंकि ये आए थे अब्दुल हामिद के प्लान पर पानी फेरने के लिए। तभी वहाँ पे एंट्री होती है पठान की। पठान पता नहीं कहाँ से उस जंगल में पहुंच जाता है और अकेला ही टेररिस्ट पे हमला कर देता है, और इस बंदे के सामने कोई भी टेररिस्ट टिक नहीं पाता। पठान सभी टेररिस्ट को मार देता है और अब्दुल हामिद की भी कान फाड़ देता है, जिसके बाद पठान उस प्लेन और उसके पैसेंजर्स को सही सलामत दुबई भेज देता है और फिर से गायब हो जाता है। अब सुमित और अंजलि को समझ नहीं आता कि आखिरकार ये आदमी कौन है और कहाँ से आया है और इसने उन्हें बचाया क्यों। तभी सीन बदलता है कर्नल लूथरा पे, जो कि अपने रॉ एजेंट्स को पठान के बारे में बताते हैं। पठान एक ऐसा जाबाज एजेंट है जो कि रॉ में भी नहीं है और ना ही वो किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। पठान तो एक ऐसा सुपर हीरो है जो कि तभी प्रकट होता है जब इंडिया को उसकी जरूरत पड़ती है, यानी कि जब भी इंडिया किसी ऐसी मुसीबत में आता है जब वो आगे कुछ नहीं सोच पाते, तब वहाँ पे हम पठान को जरूर पाते हैं। और पठान ने अपनी सूझबूझ से इंडिया को कई बार मुसीबत से निकाला है। मैं तो ये नहीं जानता कि पठान कौन है, यहाँ कहाँ से आया है, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि पठान एक सच्चा देशभक्त है और वो कभी भी इंडिया के साथ नहीं छोड़ेगा। इतना कर्नल ने कहा ही था कि तभी अंजलि कर्नल से पूछती है कि अगर किसी को पठान के बारे में कुछ पता नहीं है तो आखिरकार उसका नाम पठान कैसे रखा। इतना कहते ही हम कहानी को फ्लैशबैक में जाते हुए देखते हैं, जहां पे एक वॉर के बाद अफगानिस्तान से बचे हुए इंडियन सिविलियंस वापस अपने देश की तरफ आ रहे थे कि तभी उस बस में एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। इस धमाके की गूंज से ही समझ आ गया था कि इसमें कोई नहीं बचा होगा, पर ऐसा हुआ भी था। बस में मौजूद सभी लोग मारे जाते हैं, बस एक 13 साल का बच्चे को छोड़ के। धमाका इतना तेज था कि बच्चा अपनी याददाश्त खो देता है। उसे ना अपनी माँ का पता है और ना ही अपने पिता का, लेकिन दुनिया का कहना ये था कि ये लड़का अफगानी पठान है जो कि बस में बॉम्ब प्लान करने ही चढ़ा था। इसलिए तो सभी मर गए, लेकिन ये बच्चा बच गया। दुनिया ने पठान को एक टेररिस्ट मान लिया था और उसे एक जेल में कैद कर दिया गया, जिसके बाद उसके ऊपर कई टॉर्चर्स का इस्तेमाल किया गया ताकि वो उन्हें बता दे कि उनका लीडर कौन है, लेकिन याददाश्त ना होने के कारण पठान के पास कोई जवाब नहीं होता। लेकिन अजीब बात ये थी कि उस बच्चे को हिंदी और सारी लैंग्वेज आती थी जो कि इंडिया में मौजूद है, जिसके कारण एक रॉ एजेंट को समझ आ जाता है कि ये लड़का इंडियन ही है, जिसके बाद वो रॉ एजेंट गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करके उस बच्चे की कस्टडी अपने पास ले लेता है। जिसके बाद कुछ ही दिनों बाद होता कुछ ऐसा है कि टेररिस्ट आके उस रॉ एजेंट पे हमला कर देते हैं, जिससे कि उसकी मौत हो जाती है। और अब दुनिया को कंफर्म हो जाता है कि वो लड़का टेररिस्ट है। तब से उसका नाम पठान हो गया। उसे इंडिया में खोजा भी गया था, लेकिन उसका कभी कुछ पता नहीं चला। लेकिन बहुत सारी जगहों पे उसे देखा गया इंडिया की मदद करते हुए, जो कि शायद इसलिए था क्योंकि पठान खुद को प्रूफ करना चाहता था कि वो एक देशभक्त है इंडिया की मदद करके, जो कि शायद उसकी मदद कर पाए उसके ऊपर से टेररिस्ट का धब्बा हटाने में। लूथरा आगे बताते हैं कि पठान के बारे में हमें सबसे पहले पता तब चला था जब यूएसए में एक इंडियन मिनिस्टर की बेटी को एक टूर के दौरान किडनैप कर लिया गया था, और तब हमने अपने काबिल रॉ एजेंट कबीर खान को उसे बचाने के लिए भेजा, लेकिन फिर भी उनकी पकड़ कॉलेज के बच्चों पे थी तो वो उन्हें मारना शुरू करने वाले थे, जिसकी वजह से वहाँ पे हमें टाइगर भाई को भेजना पड़ा। लेकिन फिर भी कुछ फायदा नहीं हो रहा था, मिशन उनके हाथ से निकल रहा था कि तभी वहाँ पे पठान आके कबीर और टाइगर भाई की मदद से इंडियन बच्चों की जान बचा लेते हैं, और तब से हमें पता चला कि पठान एक इंडियन है और वो एक सच्चा देशभक्त है। अब आपको लग रहा होगा कि कहानी यहाँ पे खत्म है, लेकिन नहीं, कहानी यहाँ से एक भयंकर ट्विस्ट लेती है जो कि मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। बात करें इस मूवी की, तो मूवी में वापसी कर रहे हैं शाहरुख खान करीब 3 सालों के बाद, जिसकी वजह से
क्रेज और हाइप बहुत ही भयंकर बना हुआ है। लेकिन इसी में एक विवाद भी हो रखा है, क्योंकि दीपिका ने कुछ ऐसे कपड़े पहने हैं जो कि देशवासियों के फीलिंग्स को ठेस पहुंचा रही है और अब पब्लिक वापस से बॉयकॉट करने पे उतर आई है इस मूवी को। अब क्या इस बॉयकॉट के जमाने में पठान अपना कमाल दिखा पाएगी या फिर शाहरुख खान की वापसी हक देगी। पठान मूवी को डायरेक्ट किया गया है सिद्धार्थ आनंद ने, जो कि एक अच्छे डायरेक्टर हैं। उन्होंने बहुत सारी बड़ी मूवीज में काम किया है जो कि बॉक्स ऑफिस पे हिट रही है, जैसे बैंग बैंग, वॉर, अनजाना अनजानी, जो कि बहुत ही अच्छी मूवीज रही हैं। तो अब मुझे बस ये देखना है कि क्या ये भी मूवीज बाकियों की तरह हिट रहेगी या बॉयकॉट इसे निगल लेगा। मूवी रिलीज होने वाली है 25 जनवरी को, तो आप देखने जरूर जाना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, कमेंट में जरूर बताना कि मूवी कैसी लगी। तब तक के लिए चलता हूँ, ओके बाय। कर्नल सुनील लूथरा, जो कि रॉ एजेंसी के चीफ है, उनको खबर मिलती है कि इंडिया से दुबई जाने वाले एरोप्लेन को अब्दुल हामिद नाम की टेररिस्ट ग्रुप ने हाईजैक कर लिया है, जिसके बाद कर्नल लूथरा रॉ एजेंसी के सबसे काबिल एजेंट कबीर यानी कि ऋतिक को इस मिशन पे भेजना चाहते थे। लेकिन कबीर उन दिनों अपने किसी दूसरे मिशन के लिए टर्की गया था, इसलिए इंडियन रॉ एजेंसी उस मिशन पे अपने अंडर ट्रेनिंग एजेंट सुमित मेहता और अंजलि शर्मा को भेजने का प्लान बनाते हैं। सुमित मेहता और अंजलि शर्मा अभी हाल ही में ट्रेन हो रहे थे और कबीर के जाने के बाद यही दो काबिल एजेंट्स थे जिन पे रॉ भरोसा कर सकती थी, इसलिए इन दोनों को चूज किया जाता है। वहीं पे सीन बदलता है अब्दुल हामिद पे, जो कि इंडिया से अपनी डिमांड रखता है और कहता है कि सुनो इंडिया, मेरी पहली डिमांड ये है कि तुम्हारे तिहाड़ जेल में बंद मेरा सबसे करीबी दोस्त ईमान अंसारी को जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए और उसे एक बैग में 100 करोड़ दिया जाए, तभी मैं तुम्हारे देश वालों को सही सलामत आजाद करूंगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो दुबई में आने से पहले तुम्हारे इंडियन पैसेंजर्स अपनी जान खो देंगे। अब अब्दुल हामिद सबसे पहले तो प्लेन के ट्रैकर को तोड़ देता है, जिससे कि इंडिया गवर्नमेंट को उसके एग्जैक्ट लोकेशन का पता नहीं चल पाए, जिसके बाद अब्दुल हामिद पायलट को एरोप्लेन को एक घने जंगल में लैंड करने को कहता है। अब इंडियन गवर्नमेंट को ये नहीं पता था कि अब्दुल हामिद ने एरोप्लेन को किस जगह पे लैंड करवाया है, लेकिन सुमित मेहरा और अंजलि शर्मा किसी भी तरीके से उस लोकेशन का पता लगा लेते हैं और उस जंगल में पहुंच जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि दोनों कुछ करते, अब्दुल को यहाँ पे सब कुछ पहले ही पता चल जाता है और वो उन पे हमला करवा देता है। दोनों जैसे तैसे करके उनकी गोलियों से बच जाते हैं, लेकिन तभी अब्दुल का अनाउंसमेंट आता है कि इस गलती की भुगतान अब इंडियन पैसेंजर्स करेंगे, और वो उन्हें मारने ही वाला था कि तभी सुमित और अंजलि खुद को अब्दुल के हवाले कर देते हैं। और अब जैसा कि सुमित और अंजलि दोनों ही अब्दुल के कब्जे में आ चुके हैं और अब्दुल हामिद इन्हें कभी भी मारने के मूड में था, क्योंकि ये आए थे अब्दुल हामिद के प्लान पर पानी फेरने के लिए, तभी वहाँ पे एंट्री होती है पठान की। पठान पता नहीं कहाँ से उस जंगल में पहुंच जाता है और अकेला ही टेररिस्ट पे हमला कर देता है, और इस बंदे के सामने कोई भी टेररिस्ट टिक नहीं पाता। पठान सभी टेररिस्ट को मार देता है और अब्दुल हामिद के भी कान फाड़ देता है, जिसके बाद पठान उस प्लेन और उसके पैसेंजर्स को सही सलामत दुबई भेज देता है और फिर से गायब हो जाता है। अब सुमित और अंजलि को समझ नहीं आता कि आखिरकार ये आदमी कौन है और कहाँ से आया है और इसने उन्हें बचाया क्यों। तभी सीन बदलता है कर्नल लूथरा पे, जो कि अपने रॉ एजेंट्स को पठान के बारे में बताते हैं। पठान एक ऐसा जाबाज एजेंट है जो कि रॉ में भी नहीं है और ना ही वो किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। पठान तो एक ऐसा सुपर हीरो है जो कि तभी प्रकट होता है जब इंडिया को उसकी जरूरत पड़ती है, यानी कि जब भी इंडिया किसी ऐसी मुसीबत में आता है जब वो आगे कुछ नहीं सोच पाते, तब वहाँ पे हम पठान को जरूर पाते हैं। और पठान ने अपनी सूझबूझ से इंडिया को कई बार मुसीबत से निकाला है। मैं तो ये नहीं जानता कि पठान कौन है, यहाँ कहाँ से आया है, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि पठान एक सच्चा देशभक्त है और वो कभी भी इंडिया के साथ नहीं छोड़ेगा। इतना कर्नल ने कहा ही था कि तभी अंजलि कर्नल से पूछती है कि अगर किसी को पठान के बारे में कुछ पता नहीं है तो आखिरकार उसका नाम पठान कैसे रखा। इतना कहते ही हम कहानी को फ्लैशबैक में जाते हुए देखते हैं, जहां पे एक वॉर के बाद अफगानिस्तान से बचे हुए इंडियन सिविलियंस वापस अपने देश की तरफ आ रहे थे कि तभी उस बस में एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। इस धमाके की गूंज से ही समझ आ गया था कि इसमें कोई नहीं बचा होगा, पर ऐसा हुआ भी था। बस में मौजूद सभी लोग मारे जाते हैं
बस एक 13 साल का बच्चे को छोड़ के। धमाका इतना तेज था कि बच्चा अपनी याददाश्त खो देता है। उसे न अपनी माँ का पता है और न ही अपने पिता का, लेकिन दुनिया का कहना ये था कि ये लड़का अफगानी पठान है जो कि बस में बॉम्ब प्लांट करने ही चढ़ा था, इसलिए तो सभी मर गए लेकिन ये बच्चा बच गया। दुनिया ने पठान को एक टेररिस्ट मान लिया था और उसे एक जेल में कैद कर दिया गया, जिसके बाद उसके ऊपर कई टॉर्चर्स का इस्तेमाल किया गया ताकि वो उन्हें बता दे कि उनका लीडर कौन है, लेकिन याददाश्त ना होने के कारण पठान के पास कोई जवाब नहीं होता। लेकिन अजीब बात ये थी कि उस बच्चे को हिंदी और सारी लैंग्वेज आती थी जो कि इंडिया में मौजूद है, जिसके कारण एक रॉ एजेंट को समझ आ जाता है कि ये लड़का इंडियन ही है, जिसके बाद वो रॉ एजेंट गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करके उस बच्चे की कस्टडी अपने पास ले लेता है, जिसके बाद कुछ ही दिनों बाद होता कुछ ऐसा है कि टेररिस्ट आके उस रॉ एजेंट पे हमला कर देते हैं, जिससे कि उसकी मौत हो जाती है और अब दुनिया को कंफर्म हो जाता है कि वो लड़का टेररिस्ट है। तब से उसका नाम पठान हो गया। उसे इंडिया में खोजा भी गया था लेकिन उसका कभी कुछ पता नहीं चला, लेकिन बहुत सारी जगहों पे उसे देखा गया इंडिया की मदद करते हुए, जो कि शायद इसलिए था क्योंकि पठान खुद को प्रूफ करना चाहता था कि वो एक देशभक्त है इंडिया की मदद करके, जो कि शायद उसकी मदद कर पाए उसके ऊपर से टेररिस्ट का धब्बा हटाने में। लूथर आगे बताते हैं कि पठान के बारे में हमें सबसे पहले पता तब चला था जब यूएसए में एक इंडियन मिनिस्टर की बेटी को एक टूर के दौरान किडनैप कर लिया गया था, और तब हमने अपने काबिल रॉ एजेंट कबीर खान को उसे बचाने के लिए भेजा, लेकिन फिर भी उनकी पकड़ कॉलेज के बच्चों पे थी तो वो उन्हें मारना शुरू करने वाले थे, जिसकी वजह से वहाँ पे हमें टाइगर भाई को भेजना पड़ा, लेकिन फिर भी कुछ फायदा नहीं हो रहा था, मिशन उनके हाथ से निकल रहा था कि तभी वहाँ पे पठान आके कबीर और टाइगर भाई की मदद से इंडियन बच्चों की जान बचा लेते हैं, और तब से हमें पता चला कि पठान एक इंडियन है और वो एक सच्चा देशभक्त है। अब आपको लग रहा होगा कि कहानी यहाँ पे खत्म है, लेकिन नहीं, कहानी यहाँ से एक भयंकर ट्विस्ट लेती है जो कि मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। बात करें इस मूवी की तो मूवी में वापसी कर रहे हैं शाहरुख खान करीब 3 सालों के बाद, जिसकी वजह से क्रेज और हाइप बहुत ही भयंकर बना हुआ है, लेकिन इसी में एक विवाद भी हो रखा है क्योंकि दीपिका ने कुछ ऐसे कपड़े पहने हैं जो कि देशवासियों के फीलिंग्स को ठेस पहुंचा रही है, और अब पब्लिक वापस से बॉयकॉट करने पे उतर आई है इस मूवी को। अब क्या इस बॉयकॉट के जमाने में पठान अपना कमाल दिखा पाएगी या फिर शाहरुख खान की वापसी हक देगी। पठान मूवी को डायरेक्ट किया गया है सिद्धार्थ आनंद ने, जो कि एक अच्छे डायरेक्टर हैं। उन्होंने बहुत सारी बड़ी मूवीज में काम किया है जो कि बॉक्स ऑफिस पे हिट रही है, जैसे बैंग बैंग, वॉर, अनजाना अनजानी, जो कि बहुत ही अच्छी मूवीज रही हैं। तो अब मुझे बस ये देखना है कि क्या ये भी मूवीज बाकियों की तरह हिट रहेगी या बॉयकॉट इससे निगल लेगा। मूवी रिलीज होने वाली है 25 जनवरी को, तो आप देखने जरूर जाना, और आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, कमेंट में जरूर बताना कि मूवी कैसी लगी। तब तक के लिए चलता हूँ, ओके बाय।